बाद में फोन करता हूँ। अरे सब लोग लाइन से आओ। मेरा नाम गिरधारी है और सबको लाइन से आने को बोलो। चलो चलो लाइन से लगो, इधर इधर हटो। हाँ मेरा नाम बिहारी और इसका नाम गिरधारी। हाँ। लेन देन में, प्रॉपर्टी में, सब में उससे डबल हूँ मैं। तो मैं क्या करूँ, मेरे मालकिन आ रही है पूजा करने, भीड़ को साइड में कर दो, अलग से दर्शन करेंगी वो। क्यों, तुम्हारी मालकिन जया जी है कि सुनिया जी है? अनुमति देवी। चलो चलो लाइन में लगो, चलो चलो। ए, जाओ जाके मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगो, बहुत मिलेगा। अगर बिहारी को मारते तो तुम्हें पता चलता, तुम्हारा टाइम अच्छा है कि मुझे मारा, बच गए तुम। वो मेरा क्या कर लेगा? हाँ क्या रे? मैं तो सीनियर हूँ, मुझे इसके जैसे मत समझना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझ गए? ठीक है तो तू डबल खा ले। अबे तूने मार खाई, मुझे क्यों खिलवाई? आप ही ने तो कहा आप सीनियर हैं तो इसीलिए इतना मिला। चल निकलने यहाँ से। बिना लाइन लगाए मैनेजर दर्शन नहीं करने देगा। जोर जोर से तमाचे मारे। दोनों किधर गए? वो दोनों पैसा लूटने में बिजी हैं। ऑफिसर किधर है? उधर है। उसकी डिटेल ले लो। जी। इस गांव में रहना दूभर कर दे। पूजा करवानी है। आपके नाम से करवानी है? नहीं, मेरी बेटियों के नाम से। सर मंगल मांगले स्वे सर्वार्थादिके हरणाय त्र्यम्बके औरी नारायणी नमोस्तुते। क्या हुआ, तुम रेडी हो? लेट्स गो। दादाजी के लिए मैं पोता हूँ, बाप के लिए मैं उसका बेटा हूँ, प्यार करने वालों का सेवक हूँ और तुम जैसी लड़कियों का घमंड चूर करने वाला मर्द हूँ। देखिए सर, ये दोनों वही लड़की हैं जिन्होंने आपका एक्सीडेंट करके एक अच्छे खासे आदमी को बिस्तर पकड़ाया। इनके डिस्चार्ज होने तक यहीं रहकर बेटियों की तरह सेवा करनी पड़ेगी। ए, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं भानुमति की बेटी हूँ। रहा जल्दी, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी सेवा हम क्यों करें भला? जितना पैसा खर्च होगा तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी। भानुमति की बेटियां हो तो क्या हुआ मिस्टर? भानुमति की बेटी है तो क्या भगवान हो गए? एक मिनट, इनको जाने दो, इनसे सेवा करवाने की औकात नहीं है हमारी। अब इन्हें जाने दो, जाओ बेटे। तुझे तो मैं देख लूंगी, तुम बाहर तो निकलो। ऊपर वाले ने दोनों को अकल तो दी नहीं है फिर भी इतना रुआब दिखाती है।
और सर आप कहाँ रहते हैं? आंटी 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 दरवाजा नहीं खोलेगी, ये खोलेगी। ओहो समझ में आ गया, आप भी मेरे ही जैसे हो। क्या मतलब? अकेले। अकेले कैसे? मेरा मतलब है जिसका ना आगे है कोई ना पीछे है, बस मेरी तरह ही है। जैसे मैं अकेला ही जिए जा रहा हूँ। वैसे मेरा नाम कार्तिक है, MBA हूँ। आइए। बस सर अपना बायोडाटा बस इतना ही है। अरे भाई मैंने पूछा कि तुम अकेले हो, कोई दूसरी बात कहो। ओके नेम चेंज दुकेला। अब इसका क्या मतलब? सर अगर कोई साथ ना हो तो अकेला, और अगर कोई मिल गया तो दुकेला। कमरे में शराब की बू आ रही है मुझे। ओहो अच्छा तो ये बात है, आखिर काम क्या करते हैं आप? बाहर बोर्ड नहीं दिखा तुमने? अच्छा तो ब्लैक बोर्ड बेचते हैं क्या? आसपास के गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाता हूँ, अब तो यही मेरी जिंदगी है, वही मेरे सब कुछ है। ओके मास्टर, आज से आप मेरे गुरु और मैं हो गया आपका चेला। अरे एक बात तो भूल ही गया, कल मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है। जॉब तो लगभग समझो फिक्स ही है, कार मकान सब फ्री मिलेगा, तुम भी आकर मेरे साथ रहना ठीक है? कौन सी कंपनी है? भानुमती एंटरप्राइजेस। भानुमती एंटरप्राइजेस में काम तो तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सर। मगर ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम यही रह जाओ। बहुत ही अच्छी बात की गुरुजी आपने, अब आप सो जाइए, कहते मेरे पास रह जाओ। मैडम नमस्ते। नमस्ते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। क्यों हीरो नौकरी की तलाश में आए हो? तो तुम्हें क्या लगता है शादी बनाने आए? और नहीं तो क्या, यहाँ बैठकर ऐसे ऐसे पैर हिला रहे हो? वो बात ये है, इस कंपनी का होने वाला जनरल मैनेजर हूँ ना, और पैर हिलाना अपनी स्टाइल है समझे। तुम और जनरल मैनेजर सपना देख रहे हो क्या? सपना अपना कुछ नहीं है, ये पोस्ट तो मेरी ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम दोनों का चेहरा देखने के बाद। हम दोनों का? और नहीं तो क्या, तुम जैसे म्युनिसिपैलिटी छापे वाले लोगों को नौकरी थोड़ी मिलेगी। उसके लिए तो पर्सनालिटी, टैलेंट, स्टाइल चाहिए जो मुझ में है। हम दोनों को एक तराजू में मत तोलो। इनके अंदर चाहे पर्सनालिटी और टैलेंट या स्टाइल ना हो, पर मेरे अंदर बहुत सारा भरा हुआ है समझे तुम। अच्छा अच्छा आइए, आपको मैडम बुला रही है। अच्छा देखा, सबसे पहले मुझको बुलाया, जाओ और कहीं और ट्राई मारो। ये लो पकड़ो, टाइम पास करो। गुड मॉर्निंग मैडम। इंटरव्यू के लिए आए हो? यस मैडम। मेरे बारे में जानते हो तुम? हाँ क्यों नहीं मैडम, आपके बारे में तो सबको मालूम है। इस्टेट की नीलामी हो रही हो, उसे खरीदने के लिए पैसा दिमाग सिर्फ आप ही के पास है। चाहे खूबसूरती की बात हो या फिर बिजनेस प्लानिंग में दिमाग की बात, वन एंड ओनली वन भानुमती देवी, सिंबल ऑफ रॉयल्टी। जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो उठकर खड़े क्यों नहीं हुए? बाकी लोगों की तरह मैं भी खड़ा होता तो आपका ध्यान मुझ पर कैसे जाता, इसलिए वहां मैं जानबूझकर बैठा रहा। शायद इसलिए इंटरव्यू के लिए आपने मुझे पहले अंदर बुलाया। Am I right? Interesting. बहुत समझदार लगते हैं। Excuse me, madam. मेरे सर्टिफिकेट्स। नाम कार्तिक है, ये मेरा 10th का फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट, ये गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट, ये रहा डिग्री सर्टिफिकेट। बस इतना ही नहीं, मेरे पास और भी टैलेंट के सर्टिफिकेट्स हैं मैडम। इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। आपको जनरल मैनेजर की नौकरी दे रही हूँ, कल से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू मैडम। सर 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 क्यों, मिल गई नौकरी? जाओ जाओ अब निकल लो यहाँ से। तुम्हें क्या लगा मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। मैं नौकरी मिलेगी? आराम से बैठकर पैर हिला रहे थे, तुम्हें क्या नौकरी मिलेगी? अरे मैडम को मेरा पैर हिलाना अच्छा लगा। पैर हिलाना अच्छा लगा? अरे पैर हिलाना सबके बस की बात नहीं है, मेरी इसी अदा पे तो मैडम फिदा हो गई समझे तुम। मेरे अंडर में काम करने वाला हर मुलाजिम मेरे हुक्म की तामील करता है। वो चप्पल यहाँ लेकर आओ फौरन। मैडम आपकी कंपनी में नौकरी करने आया हूँ, आपके जूते चप्पल उठाने के लिए नहीं आया हूँ, आपकी साड़ी कांचल संभालने नहीं, आपके बाल को सवारने के लिए नहीं आया। तुम्हारा ये गुरूर ये घमंड कैसे तोड़ना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। ए सिक्योरिटी इसे धक्के मारकर बाहर निकाल। रुको रुको इतनी जल्दी भी क्या है, अरे बाप रे बाप, ऊपर से नीचे तक मॉडर्न हो पर दिमाग किसी पुराने बस स्टॉप की तरह खाली है।
औरत हो करके चैलेंज कर रही हो तो तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मां वाले पान की तरह चबा कर इनको थूक डालता हूँ। बस इतना ही, इतनी कैपेसिटी है। स्टैंडर्ड देखकर लगता था कि बहुत मजबूत भाई होंगे, लेकिन ये तो कमजोर निकले। इससे तो बेहतर होगा अपनी दोनों खूबसूरत बेटियों को नीचे भेज देती तुम। रास्कल, एक तो मेरी बेटियों की बेइज्जती की, उसने मुझे जबान लड़ाने की हिम्मत। ये 10th की डिग्री MBA का सर्टिफिकेट। जहाँ चाहो शिकायत कर लेना, पर अब तुम्हें जिंदगी भर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। सुनो भानुमती देवी, घमंड ने बड़े बड़े लोगों का सर्वनाश कर दिया है। एक दिन तुम्हारा यही घमंड तुम्हें ले डूबेगा और तुम्हें हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा। लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होगा। तुम जैसी घमंडी और मगरूर औरत का घमंड मैं तोड़ना जानता हूँ। एक दिन तुम्हारा ये राजपाट मेरे कदमों के नीचे होगा, समझ गए तुम? इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना मुझे आता है। तुमने इन दो फूल जैसी बेटियों को बहुत ही प्यार से सवार कर रखा है ना, देखना एक दिन एक को पटा कर शादी कर लूंगा और फिर तुम्हारा दामाद बनकर रहूंगा, समझ गए तुम? ऐश करूंगा। तू है मेरे घर का दामाद? मेरी औकात क्या है शायद आपको मालूम नहीं है। सीटी मारता हूँ तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, चुटकी मारता हूँ तो लोग भाग जाते हैं, ताल ठोकता हूँ तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो फिर सासू जी, इन्हें पटाना कौन सी बड़ी बात है? ओहो, बड़े रोमांटिक हीरो हो। किसे पटाओगे, मुझे या मुझे पटाओगे? ओए ओए ओए, एक बात क्या बोल दी, यहाँ तो कंपटीशन चालू हो गया है। छोटी वाली गोदावरी और बड़ी वाली कावेरी, तैरने के लिए किसमें डुबकी मारूं मुझे डिसाइड करना है, समझ गई? अगर हेड आया तो बड़ी वाली, और टेल आया ना तो ये छोटी वाली। इसका बाद में मुझे देना। नमस्ते सासू जी, अगर मूड आया ना तो वापस आ जाऊंगा मैं। हे मस्का मस्का मलाई, नमकीन सेक्सी मिठाई। हाय मस्का मस्का मलाई, अरे अरे नमकीन सेक्सी मिठाई। आहा, पीछे देखो आगे देखो जी, अरे अरे तवा गरम रोटी सेको जी। कीमती नगीना खूब है हसीना, कीमती नगीना खूब है हसीना, प्यार भरा दिल है ना प्यार से ले लेना। देख मैं मस्त मस्त पागल दीवाना, हाय रे हाय मुझसे दूर न जाना, मेरे पीछे पीछे है ये सारा जमाना। ओ, 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 मैं तो तेरी दीवानी हूँ तू भी हो जाना, जम जाएगा अपना गाना बजाना। हाय अदा में कैसा ये है जादू, तू मुझको दे बता। आ पासा मेरा छलका हुआ ये जान पी के ने मजा। हे क्या तेरी अदा है, क्या तेरी रजा है? हे क्या तेरी अदा है, क्या तेरी रजा है? अंग से लगाना रंग तू जमाना, ऐसी बात है तो देख तमाशा, आज तू दिन में आ जा तारे देख ले, प्यार क्या होता है ये मुझसे सीख ले। आहा, जुड़ के ऐसी ही
जानी अभी देख ले, आग दो तरफ लगी कैसी देख ले। मस्का 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 मलाई, अरे अरे नमकीन सेक्सी मिठाई। समा जा, हाथ में हाथ ला, बाहों में समा जा। आग लगी है क्या, प्यास बढ़ी है क्या, आग दोनों तरफ लगी है क्या करें। तूने ये आग लगाई है जान ले, मेरे पास आके मेरी बात मान ले। अरे आज तो रंग बाबू खूब जमा ले, आग से आग मेरी दिल भी मिला ले। मस्का 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 मलाई, अरे अरे नमकीन सेक्सी मिठाई। पीछे देखो आगे देखो जी, अरे अरे तवा गरम रोटी सेको जी। आहा, तुम्हारी काली जुबान अपना काम कर गई। इंटरव्यू के लिए गया था लेकिन पहले ही कह दिया अगर नहीं हुआ तो यहाँ आकर रहना। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मैं कंपनी में पसीना बहाने की जगह मैं किचन में पसीना बहा रहा हूँ। काली जुबान की वजह से, काली जुबान की वजह से सब हुआ। ये जुबान की वजह से नहीं हुआ, तुम्हारा टाइम खराब है। इस भारत देश में लाखों नौकरियां हैं, बस ढूंढने की जरूरत है, हजारों मिलेंगी। अब क्या खाक ढूंढूं? ये लो तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट है, ये लो ये तुम्हारा इंटरव्यू का सर्टिफिकेट, ये डिग्री का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट फाड़ दिए? फाड़ दिए? अरे इतना ही नहीं, वो बहुत ही घमंडी औरत है। अरे मैं तो कहूंगा वो डायन है, डायन से भी गई गुजरी है, कुछ नहीं होने वाला उसका। क्यों बेकार में एक शरीफ औरत पे तोहमत लगा रहे हो? उसे ऐसे सपोर्ट करते हो जैसे कहीं वो आपकी पत्नी ही ना हो। वाह 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 वाह, अब क्या करना चाहते हो तुम? जो चीज जहाँ खो जाती है उसे वहीं ढूंढनी चाहिए, वही करने जा रहा हूँ मैं। मेघना के लिए लड़का देखने मैं न्यूजीलैंड जा रही हूँ, वापस आने में शायद एक हफ्ता भी लग जाए। अपनी इंडस्ट्रीज के सारे जनरल मैनेजर्स के साथ आज शाम की मीटिंग अरेंज करो। जी जी। देखा मैडम को मुझ पर कितना भरोसा है, इसीलिए सारा काम मुझे सौंपती है। ऐसे फालतू बेकार के काम किससे करवाने, उन्हें मालूम है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, भानुमति देवी हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, भानुमति देवी, भानुमति देवी हमारी मांगे, हमारी मांगे, भानुमति देवी, भानुमति देवी हमारी मांगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, भानुमति देवी। खामोश खामोश, दसों कंपनी, दसों बिजनेस और 1.5 लाख वर्कर्स को मैनेज कर रही हूँ मैं, और तुम सभी लोग मेरा नाम लेकर ये नारेबाजी किस लिए कर रहे हो? जरा उसे सामने तो लाओ जिसके सपोर्ट पर ये सब हो रहा है। नमस्ते सासू जी, मैंने कहा था ना कुर्सी उतार दूंगा मैं। कैजुअल लेबर में मैं भर्ती हूँ तो आज पहले दिन इतना कर दिया है मैंने, पूरी तरह चाल चलने लगूंगा तो तुम्हारी बेटियों को फंसाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात होगी सासू माँ। जो बोलना इधर आके बोल। इतने जोर से डायलॉग बोलने की तेरी जरूरत कैसे? अरे डायलॉग बोलने का काम तो मेरा है, समझे? डायलॉग तूने कैसे मारा, मुझे मारना चाहिए, समझ गए? ये गलत कर रहा है कि नहीं? हाँ गलत है ना, इसीलिए तो मारा इसे। इफ यू डोंट माइंड, मैं भी यूं ही तुम्हारी तरह ही चिल्लाने वाला था, पर तुम सीनियर हो इसलिए चांस तुमने लिया, इसलिए जो चांटा मुझे मिलने वाला था वो तुम्हें मिल गया। तुम्हारी मांग क्या है? हमारी पगार बढ़ाइए। 2 गुना कर दूंगी। 6 महीने का बोनस चाहिए। 4 साल का बोनस दूंगी। बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए। स्कूल तो छोड़ो, तुम सबको घर बनवा दूंगी, पर एक शर्त पर। किसी भी सड़क छाप के बहकावे में नहीं आओगे, ना ही उसे फैक्ट्री के अंदर घुसने दोगे, ना ही उससे कोई संबंध रखोगे, समझे? भानुमति देवी जिंदाबाद, भानुमति देवी जिंदाबाद, भानुमति देवी जिंदाबाद। देख लिया, ये है भानुमति का पावर। कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है मुझे अच्छी तरह आता है, मेरा दिमाग एक डिक्शनरी है। तुम अभी बच्चे हो,
हेलो नमस्ते सासू जी। यह कैसे आ गया? वो जैसे भी आया हो पर भी यहाँ से कैसे निकलना ये सोचो। जंगो मंगो ज्यादा बोलो मत, इधर आओ चलो। क्या है? अरे कोई खास बात नहीं, बस सुबह सुबह मैंने समाचार में सुना कि बारिश होने वाली है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि कहीं अपनी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं होने वाली है ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुनो अगर ऊपर मुझे सुसु लग जाए और अचानक मैं कर दूं तो कहीं पब्लिक पर तो नहीं गिरेगी ना? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, नीचे लोग समझेंगे। बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं इस फ्लाइट पर जा सकता हूं। टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा थैंक यू। क्यों भाई ज्यादा चर्बी चढ़ी है, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? अरे उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है। असल में वो पहली बार जा रहा है ना फ्लाइट में, इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा है। रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, तो तुम फॉरेन कैसे जा रहे हो? अपने ही भाई लोग भेज रहे हैं मुझे। दोस्त लोग? सासू जी और कोई नहीं, अपनी कंपनी के दोस्त लोग। देखो कार्तिक जिंदाबाद, 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 कार्तिक जिंदाबाद। हाँ हाँ यही बात है, ये उनको मुझ पर अभिमान है। एक दिन मैं काम पर आया तो उनके लिए इतना कुछ कर दिया मैंने। अगर मैं परमानेंट हो जाऊँ तो कितना कुछ करूंगा ये तो समझ लीजिए आप। हाँ इन्होंने चंदा जमा करके मुझे फ्लाइट पे भेजा है, इस यूनिटी को तोड़ना संभव नहीं है। अब आखिरी चार मेरी भी देख ली। इसे फ्लाइट में आने नहीं देना। एक मिनट जरा लगे चेक करना है। पर सर अभी अभी तो आपने चेक किया था ना। अरे यार सर फ्लाइट का टाइम हो गया। एक मिनट रुको तो। बाय बाय। अरे बाप रे, लास्ट टच बोली थी तो ये लास्ट टच था। लेकिन ठीक है फिर भी सासू माँ, आपकी इस टैलेंट को मेरा सलाम करता हूँ मैं। सासू माँ मेरा सलाम कबूल कीजिए। अरे भाई और कितना चेक करेंगे, फ्लाइट को जाकर भी एक घंटा हो गया। हाँ कब से चेक किए जा रहे हो? हाँ मेरी फ्लाइट मिस कर दी। गुड 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 वेरी गुड, और जोर से शाबाश मारो और जोर पंच। वो भाई के आदमी आए, उन्हें एक घंटा हो गया, हमने उन्हें 10 करोड़ नहीं दिया तो हमारी वाट लग जाएगी। मालूम है, इसलिए मैंने उसके हाथ पैसे भी भेज दिए। उनको फोन करके बता दीजिए, अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। तू क्यों टेंशन ले रहा है, उसका आदमी फोन पे बात करके चला भी जा चुका है। चले गए? लेकिन मैंने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। देखना चाहते हो उसे? राहुल यही भाई का आदमी है, ये लेट कर ऐसे क्या कर रहा है? ये मारा जा चुका है, पर उनके हिसाब से पैसे लेकर ये फरार हो गया, समझ गए तुम? हे भगवान। बेटा राहुल तैयार हो गए, फ्लाइट के आने का टाइम हो गया है। और हाँ मेघना से ठीक से पेश आना, दूसरी औरतों की तरह उसके साथ बिहेव मत करना, ये शादी होनी चाहिए। पर मुझे मंजूर नहीं। ए हम लोग पूरी तरह कर्ज में डूबे हुए, भानुमति का मतलब है फाइनेंस इंश्योरेंस वर्ल्ड बैंक, उसे मंजूर नहीं होगा तो हम लोग रोड पे भीख मांगेंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एक से शादी करूंगा तो क्या मिलेगा घंटा, दोनों से शादी करना फायदेमंद है, बड़ी वाली को बनाऊंगा बीवी और छोटी वाली नौकरानी बन जाएगी। अरे बेटा राहुल हाथ मिला, अब तू मेरा असली बेटा लग रहा है, चल। सुनो तुझे एंगेजमेंट में बड़ी अच्छी गिफ्ट दूंगी। हाँ चलेगा थैंक्स। हेड्स या टेल, 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 हेड्स या। ये बदतमीज यहाँ भी आ गया, इस सर फेरे को यही किसी मामले में फंसा देते हैं ताकि इसकी खूब पिटाई हो और वो जेल में सड़ता रहे। हेलो बॉस, नहीं नहीं 420 प्लस 420 बोल रहा हूँ, अपनी प्लानिंग के अनुसार कल के होने की पक्की गारंटी है।
हाँ हाँ, मेरे साथ मेरी दो लवर्स भी हैं। क्या? नो डाउट दोनों बहने मेरे लिए अपनी जान तक दे देंगी वो। हाँ तुमने सच कहा, किसी को भी हम पर शक ना हो इसलिए हम अलग अलग हैं। क्या कहा बॉस? पुलिस? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। पुलिस किसी काम की नहीं होती है। कल की बैंक रॉबरी की पूरी गारंटी मैं लेता हूं। पुलिस काम पे लगी है। क्यों डार्लिंग, चले क्या? व्हाट? देखो चले जाओ नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। व्हाट अ प्लानिंग, परफेक्ट एक्टिंग, इट इज क्लियर। अरे यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, अगर होगा भी तो मेरा क्या उखाड़ लेगा वो, मैं डरता थोड़ी हूँ। कौन है वे? क्या उखाड़ लेंगे? यही कहा ना कि यहाँ की पुलिस तुम्हें बेकार लगती है। निकाल इसे। निकाल लिया। इंटरपोल पीछे पड़ी है। अरे बापरे, मुझे पता नहीं था ना आप मेरे पीछे हैं। अच्छा तो तुम कुछ भी करोगे क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये केस झंझट में फंस गया। शट अप, तुम फंसे नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा। सॉरी सर, ये लोला कुलू का दिमाग है। क्या कहा आपने सर? हटो। हाँ जी जी। तुम दोनों सिस्टर्स हो ना? यस सर। करेक्ट क्या किया दोनों को, दैट इज लोला क्या कुलू सर? क्या है ये? यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाई? क्योंकि तुम दोनों ही वो बहनें हो। सुनिए सर, आपके इस देश में बहनों को गिरफ्तार करने का कानून है। सॉरी सर, बहनों को गिरफ्तार करने का नहीं है पर बैंक में डाका डालने वालों के लिए है। नीचे उतरो। नहीं उतरूंगी, आपको पता है हम कौन हैं? तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? आई एम लोला कुलू फ्रॉम पुलटकुरु। गुरु? गुरु मैं भी पुलटकुरु का हूँ। गुरु, 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 क्या हुआ? गुरु तुमने पहले नहीं बताया। अरे गुरु मुझे बताते आप, मैं भी पुलट गुरु का हूँ। गुरु मैं भी पुलट गुरु का हूँ। हाथ हटाओ। क्या गुरु? पुलट गुरु कह देने भर से काम नहीं चलेगा, पहले तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि पुलट गुरु में तुम्हारा घर कहाँ है। नहीं पहले आप बताओ। हाँ बताओ, मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। बताओ, ये देखो ये रहा पुराना बस स्टैंड है ना। हाँ, बस स्टैंड से सीधा जाओगे तो एक मंदिर है। जी जी। उसके सामने से एक रास्ता जाता है। हाँ, उस पर सीधा जाओगे तो एक बड़ा भवन मिलेगा। हाँ, उस भवन के दरवाजे पुलट गुरु का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। तुम्हारा घर किधर है? चलो फटाफट बताओ। देखो ये पुराना बस स्टैंड है, वहाँ से सीधे जाओगे तो वहाँ पर एक मंदिर मिलेगा। उसके सामने एक रास्ता जाता है और उस रास्ते के सामने एक बड़ा सा भवन है और उस भवन के सीधे सीधे ऊपर सुनहरे अक्षरों में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है पुलटकुरु भवन। मेरे जैसे ही है। और ठीक उसके सामने वहाँ एक छोटा सा बोर्ड है, नलटीकुल भुवन, वही मेरा घर है। एड्रेस बिल्कुल करेक्ट बताया, इसलिए मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। गाँव के लोग कैसे? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं मैं आपको? क्यों रो रहे हो? वहाँ के लोग आपके घर को याद करते रहते हैं। वहाँ के कुछ लोग तो इंटरपोल भी ज्वाइन कर लिया है आपके जोश में। गुरु उन्होंने आपकी याद में एक गांव में पुतला लगा रखा है। उस पर हार तो नहीं चढ़ाया ना? क्या कहा? जी बिल्कुल सही। डाउट है क्या? नहीं कंफ्यूजन है। गुरु आपका नाम और पुलट गुरु का नाम बड़े बड़े अखबारों में छपाने की मेरी इच्छा है। गुरु हाँ। आप हमें अभिषेक के बिना पर पकड़ लेंगे और कल सुबह जब केस खुलेगा क्या होगा? कोई सबूत नहीं होगा। उससे अच्छा तो ये होगा अगर बैंक रॉबरी करते समय हमें रंगे हाथों पकड़ लोगे तो तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा और अखबारों में छप जाएगा। वो देखिए किधर, आपका नाम लोला कुलू। करेक्ट, सब लोग देख रहे हैं। तो फिर तुम एक काम करो, अभी जाओ और कल सुबह करेक्ट 11 बजे बिल्कुल बैंक रॉबरी करते हुए मैं तुम्हें पकड़ूंगा। भागना चाहती हो? इम्पॉसिबल, कम ऑन। गुरु ये सब क्या है? गुरु वेरी सिंपल, कल सुबह तुम लोग बैंक रॉबरी के बाद अलग अलग ना भागो और तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे भागना ना पड़ जाए, इसीलिए तो ये किया है। अरे बाप रे, ये सब क्या कर दिया? गुरु 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 मेरी बात तो सुनो, जब सुबह बैंक रॉबरी हम करेंगे ना तो आपका नाम अखबारों में छप जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे चोरी करूं? आप थोड़े उधार दे दीजिए ना, मैं आपको ब्याज के साथ दे दूंगा। प्रॉमिस?
प्रॉमिस। ओके। हाँ इस हथकड़ी की प्रॉमिस। ओके। आपके पुलट कुरु की प्रॉमिस। हाँ दीजिए दीजिए चलेगा। चलता हूँ गुरु मैं चलता हूँ। Just do what I said, okay? सर। Yeah? Urgently मुझे एक बटालियन पुलिस फोर्स, एक हेलीकॉप्टर, एक खास मिशन के लिए चाहिए। Why? एक बैंक रॉबरी होने वाली है। Who told you? बैंक के डकैतों ने मुझे खुद बताया। When? जब मैंने उन्हें अरेस्ट किया तभी बताया सचमुच। If he is under arrest, how can he rob the bank? That is Lola clue, sir. उन्हें रेड हैंडेड पकड़ सकूं इसलिए उन्हें छोड़ दिया। You stupid. Idiot. Dumbo. No, sir. You go arrest him right Sorry, now. Sir. Or else I will dismiss Sorry, you. Sir. Understand? Okay, sir. Oye, तुम दोनों क्या खाए जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे भूख नहीं लगती? चलो मेरे मुंह में डालो, जल्दी करो, चलो। ये क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी डालो वरना चीखूंगा चिल्लाऊंगा। ए, चुपचाप बैठे रहो, धमकी मत दो समझे। चलो अभी जल्दी खिलाओ मुझे। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी है। तुम्हें क्या मुझे अब अलग से बोलना पड़ेगा? खिलाओ। अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, हथकड़ी खुलने दो फिर बताऊंगी। वाह टेस्टी है ये भी, तुम दोनों के हाथ का स्वाद भी आ रहा है। हट जा गुरु, पिस्तौल क्यों दिखा रहे हो? हम दोनों एक ही गांव के हैं ना। शट अप। मेरा नाम लोला कुलू रखते समय ये बाली पहनाई गई थी, अब मुझे दूसरी मत पहनाओ। नो चांस। तुम लोगों ने मुझे एक बार तो बेवकूफ बना दिया, अब दूसरी बार नहीं बना पाओगे। आई डोंट गिव सेकंड चांस। हैंड्स अप। गुरु अगर मुझे कुछ हो गया तो गांव वाले तुम्हारा पुतला जला देंगे, तस्वीर पे हार पहना देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे। चुप रहो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हैंड्स अप प्लीज, हैंड्स अप। हैंड्स अप। सर गन नीचे कर दीजिए वरना बच्चे की जान को खतरा है। नो, बच्चे को कुछ मत करो प्लीज। इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, बच्चा और चाकू आप रख लीजिए और गन मुझे दे दीजिए, समझ गए ना? गन से ज्यादा बच्चे की जान प्यारी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बच्ची और चाकू आप ले लीजिए और मुझे गन दे दीजिए। वो क्यों? फिर मैं आपको हैंड्स अप करूंगा और उसके बाद आप मुझे अरेस्ट कर लेना। आपके पास मौका भी होगा और बहाना होगा कि आप मुझे कैसे पकड़े, तो ये अरेस्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। Give me the gun. No, give me the baby first. हाँ हाँ लीजिए। Take this. शुक्रिया शुक्रिया। Hands up. अरे कौन सा hands up? चलो भागो 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 लड़कियों। Hey man, मुझे भी बच्चा दो। Sorry. अरे एक बार तो बेवकूफ बना ही, दूसरी बार भी बेवकूफ बन गया। ये लोला कुलू भी कोई कम नहीं। I will follow you as your shadow. गन कहाँ गई? Okay. हाँ बोलो। तुम्हारी जैसी डेयरिंग पर्सनालिटी पर मैं तो मर मिटी हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ कार्तिक, पुलिस वाले से भिड़ने का रिस्क क्यों लिया तुमने? अरे वो सब छोड़ो, मैं नहीं डरता। एक तरफ तो तुम्हारे घर का दामाद बनने की तैयारी में हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ वो तुम्हारी शादी किसी और से करवाने के चक्कर में पड़ी हुई है। लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूँ कि तुम दोनों में से एक को तो मैं पटाई लूंगा और आसानी से अपनी बना लूंगा। जीत तो तुम्हारी हुई। आई लव यू। तुम जैसे लड़के पर तो हर लड़की का दिल आ ही जाएगा, है ना? अरे वाह ये क्या कह दिया, ये सुनने के लिए तो मैं भी कब से तरस रहा था। अब एक पप्पी ले दो तुम्हारी। इस हथकड़ी को कैसे खोले? एक काम करो, तुम्हारी पिन दो। हाँ पिन दो। हाँ निकाल। ये इसे खोलेगी शर। खुल गई खुल गई। अब तुम्हारी बारी। सुनो गुड़िया, तुम्हारी बहन जितनी हाव भाव रिएक्शन दिखा रही है उसमें कुछ भी नहीं है। जरा इसे कहो कि जरा खा पी के अपने आप को डेवलप करे। वैसे तो ठीक है, आंखें अच्छी है, बस थोड़ा सा सुधार ले। मेरी गर्लफ्रेंड के आगे कुछ भी नहीं है, कचरा है कचरा। जी 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 जाओ जाओ जाओ, अब रोने से क्या होगा। सुनो डार्लिंग, तुम अपनी माँ से कहना कल मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। पगला कहीं का। कार्तिक, आई लव यू कार्तिक। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ कार्तिक, तुम ही नहीं करते। पहले मुझे लगा कि गगना तुमसे प्यार करने लगी है, इसलिए मैं अपसेट हो गई। मैं तुम्हें दिल ही दिल में चाहने लगी थी, बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक। लेकिन मम्मी का ख्याल आते ही मैं डर गई थी। कल सगाई की पार्टी में आ जाना, मैं वही अनाउंस कर दूंगी। अरे मेरी आइटम,
मेरी प्यारी प्यारी रानी, मेरे सपने की बांसुरी, क्या सही समय पर बता दिया, अच्छा कर दिया तुमने, अच्छा कर दिया। अरे मैं तो उसे ऐसे ही कह रहा, असली दिल तो मैंने तुझको ही दिया है, मैं ही तेरे सपनों का राजकुमार हूँ और तू मेरे दिल में बसी है। आजा मेरे पास, आजा मेरी बाहों में, आजा तेरी राजकुमारी, आजा आजा। नाजुक बतन से दे देना मन से थोड़ी सी खुशबू जाने जाना, तेरी हो तेरी पूरी की पूरी, जी चाहे जितना लेके जाना। नाजुक बतन से दे देना मन से थोड़ी सी खुशबू जाने जाना, तेरी हो तेरी पूरी की पूरी, जी चाहे जितना लेके जाना। रे अदा निराली मार ही डालेगी, इश्क की ये बातें प्यारी जान ही लेगी। नाजुक बदन से दे देना मन से थोड़ी सी खुशबू जान जाना। से हल्के हल्के छलके जाम, ये सोचता है क्या जरा ये पीके देखना, तेरे जलवों को कर दे मेरे नाम से, प्यार दे के प्यार ले ले मेरे साजना। तेरा रूप तब कैसे बादलों में बिजली जैसे मेरे दिल पे गिर के जाए ना। नाजुक बदन से, नाजुक बदन से दे देना मन से थोड़ी सी खुशबू जाने जाना। का असर तो होगा ना, तेरी बाहों में कसती 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 में चली, दो बदन एक जान हो गए हम दोनों यहाँ। तू भी तो है तीखी मिर्ची जरा जरा कच्ची पक्की, स्वाद में तू चंगी लगे ना। हे नाजुक बदन से, नाजुक बदन से दे देना मन से थोड़ी सी खुशबू जान जाना। तेरी हो तेरी पूरी की पूरी, जी चाहे जितना लेके जाना। नाजुक बदन से दे देना मन से थोड़ी सी खुशबू जान जाना। भानुमती जी को देखिए, इनको तौलने की कैपेसिटी मुझ में नहीं है, फिर भी इनका बड़प्पन देखिए। ये मेरी खुशकिस्मती है जो मेरे बेटे की शादी इनकी बेटी के साथ हो रही है। ना ही कोई इनकी बराबरी कर सकता है, ना ही इनके जैसा कोई करोड़पति है। ये आसमान की ऊंचाई पर बैठी हुई है। आ, 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 आ,
नमस्ते सासू माँ, क्या घमंड उतर गया? मैंने कहा था ना आपसे घमंड एक दिन उतार दूंगा। अब आपकी जिंदगी क्या है, मेरे हाथ की कठपुतली? अरे रे 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 रे। ए बिहारी, जरा देख क्या आया है। बच्चों ना। अच्छा इन्हें मेरी आइटम। ए आइटम इधर आ जा। मेघना ये क्या बेवकूफी है? मेघना ये क्या कर रही हो तुम? मेघना जब हमारे दिल एक हो गए हैं तो रोकने वाले ये कौन होते हैं? मर्जी से शादी नहीं करने देंगे तो क्या हम भागकर शादी नहीं कर सकते? अगर आप आशीर्वाद देके विदा नहीं करेंगी तो क्या हमारा घर नहीं बसेगा क्या? तुमने सोचा होगा कि मैं ऐसा ही कुछ कहूंगी। भानुमति की बेटी हूं मैं, जयराज की होने वाली बहू हूं मैं। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हासिल कर लोगे? राहुल, तुम्हारी होने वाली बीवी को एक सिर फिरा भगाने आया है और तुम इस तरह खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। मार उसे। देखा सासू जी, आप ही का पान, आप ही का चुना, लेकिन खाने वाला यहाँ पर मैं हूँ। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ सासू माँ, अब मैं चलता हूँ, इंडिया में मिलते हैं। है? है? भानुमति। समधी जी, बॉन्ड पेपर पर जो साइन की अहमियत होती है वही भानुमति की जुबान की है। मेरी छोटी बेटी गगना आपकी बहू बनेगी। वॉचमैन गेट मत खोलो। एक बार घर छोड़कर जाने के बाद वापस घर आने में शर्म नहीं आ रही है? पुराने रिश्ते याद आ गए, प्रेम उमड़ पड़ा इसलिए आ गए या हक जताने आ गए? लगता है शायद पेट की भूख सहन नहीं हुई इसलिए भीख मांगने चले आए, या फिर रॉब जमाने चले आए हैं, या रास्ता भूल गए, या नींद में आ गए। अब क्या लेने आए हो यहाँ? मेरी बेटियों का जीवन तुम बर्बाद न कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तुम्हारी बेटी? यहाँ तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ भानुमति की बेटियाँ रहती हैं। भानु। चुप रहो, मेरा नाम मत लो। मेरा नाम लेने का अधिकार तुम कब के खो चुके हो? मेरा तो सब कुछ खो चुका है, मगर बच्चियों के भविष्य के बारे में तो सोचो। जयराज इंसान के रूप में बहुत ही जहरीला नाग है। मेरे भाई में क्या कमी है? नामचीन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तुम्हारी तरह खोखले आदर्शों से जीवन बर्बाद नहीं किया उसने, जीने का सही तरीका चुना है उसने। और क्या चाहिए, डिग्री लेके छाटना है क्या? तुम्हारा मनहूस साया ना पड़े इसलिए सगाई न्यूजीलैंड में रखी है। और हाँ, तुम्हें सगाई में आने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा भिखारी उन लोगों का बाप है, ये सच्चाई उन्हें पता चले। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ यहाँ से। मम्मी, कौन था ये? था कोई पागल, अपने घर को खोजते हुए भटक के यहाँ आ गया। क्या मास्टर जी, नमस्कार। आज तो सुबह सुबह ही चालू हो गए, ये क्या अमृत है? जहर भी तो नहीं है, अब दुख सहा नहीं जाता इसलिए मैं पिए जा रहा हूँ। इतना परेशान क्यों है आप? कोई साथ नहीं देता तो? मैं तो हूँ ना आपके साथ हमेशा। अरे परेशानी की क्या बात है, हम दोनों साथ में हैं तो सब ठीक हो जाएगा, समझ गए आप? श्रीपति मेरा परम मित्र,
एक करोड़पति आदमी था, मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी मुंहबोली बहन भानुमति से मेरी शादी करवा दी। एक बार गोद भराई की रस्म के समारोह में जयराज ने श्रीपति के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कहीं तो गुस्से से मेरा हाथ उस पर उठ गया। भानुमति भी श्रीपति के खिलाफ जहर उगलने लगी। इस बात से दुखी होकर श्रीपति पूरी जायदाद भानुमति के होने वाले बच्चों के नाम कर कहीं चला गया। 10 साल तक मैं उसे ढूंढता रहा और फिर आखिरकार जब वो मिला तो उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। एक दिन ये लो मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। बच्चों कौन है आप? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अंकल? पापा किधर हैं? अंदर हैं। नहीं श्रीपति। रघु, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? मैं क्या मर गया था? चलो चलो। नहीं नहीं रघु, अब मेरा अंतिम समय आ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और इन बच्चों को घर। नहीं रघु, कोई फायदा नहीं हॉस्पिटल जाने से, मैं नहीं बच सकता। नहीं ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं रघु, रघु। बच्चों तैयार हो जाओ, पापा को हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद हम अपने घर चलेंगे। सुनो बच्चों, मैं तुम दोनों को वहां नहीं जाने दूंगा। पापा? नहीं तो वो सोचेंगे इस जायदाद की लालच में तुम लोग यहाँ पे आए हो। सच कहा? हाँ बेटा, उसके बाद उन बच्चों को मैं घर ले आया। भानुमति उन बच्चों को पाकर बहुत ही खुश हुई, सब लोग खुल मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। ये बात जयराज को बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो शुरू से ही उन्हें नापसंद करता था। वो नहीं चाहता था कि भानुमति बच्चों के साथ घुले मिले और खुश रहे, इसलिए उसने भानुमति के कान भरना शुरू कर दिया। जब उसकी नजर बदलने लगी तो फिर बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी मैंने खुद ही उठा ली। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि वो बच्चे घर में नहीं थे। जयराज ने उन मासूम बच्चों पर गहने चोरी करने का इल्जाम तक लगाया और मुझे भी यकीन दिलाने की कोशिश की। नॉनसेंस, ये बताओ क्या वो बच्चे चोरी कर सकते हैं? हाँ किया है, डायमंड नेकलेस, कंगन, हार सब लेके भाग गए, पूरे 1 करोड़ का माल लेके गए। चुप रहो, चोरी किसी और ने की है और इल्जाम उन बच्चों पे लगा रहे हो। इनके सिवा कौन करेगा? जिन्हें खाने के लिए नहीं मिलता वही तो करते हैं चोरी। भानु, शायद तुम जानती नहीं कि वो किन के बच्चे हैं। क्यों, तुम्हारे बच्चे हैं क्या? भानु, पैसे का ठिकाना नहीं, मेरे टुकड़े पे पलने वाले मुझ पे ही लोग, उन लोगों की चोरी में तुम्हारा कितना हिस्सा है? छी छी, इतनी गंदी और घटिया बातें करने वाली औरत के साथ मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। भानु, मैं उन बच्चों को साथ लेकर तभी इस घर में वापस लौटूंगा जबकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अब बस भी कीजिए, आज नहीं तो कल आपको आपके बीवी और बच्चे जरूर मिल जाएंगे। सर रोइए मत आप, मेरी और तुम्हारी पहचान अभी इतनी नहीं कि तुम मेरी भावनाओं को समझ सको। इन आंखों में ये आंसू और ये दर्द मेरे अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि मेरे प्यारे दोस्त श्रीपति के बच्चों के लिए हैं। वो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़ गया और मैं उन बच्चों की देखभाल तक नहीं कर पा रहा हूं। न जाने वो बच्चे कहां होंगे। सबसे अच्छे मन का भोला भाला प्यारा ये थोड़ा गबरू राजकुमार सर झुकाना नहीं जानता यही अपना मोहन मुर्गा। अरोहना, 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 अरोहना,
नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, अच्छों का मैं साथी नायकन, बोम जैसा मेरा मन, खोला दिए बदन, बिगड़ों के साथ मैं तो धनाधन, धूम मची ऐसे आंधी उठी जैसे, मैं सबके मन को साफ करूं, धूल मिटा दूं, राह मेरी रोके कोई आगे को देखे, वो सामने को आए उसे धूल चटा दूं, बड़ी बड़ी कैसी पड़ी, दड़ी दड़ी मोहर दड़ी, बड़ी बड़ी कैसी पड़ी, दड़ी दड़ी मोहर दड़ी, अटका दूंगा मैं तेरी गुंडी गुंडी, नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, अच्छों का मैं साथी नायकन। अरे शीला, अरे नीला, तू देख जरा ओरा बोला, प्यार तेरी मांगे तू कुछ भी हमसे मांगे, मैं तेरी मांग क्या है सबके सामने कर दूं, तेरी आँख बताती है तू सुलगती पाती है, तू चाहे सारी दुनिया को आँख से भर दूं, बड़ी बड़ी कैसी पड़ी, तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, बड़ी बड़ी कैसी पड़ी, तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, अटका दूंगा मैं तेरी गुंडी गुंडी, नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, अच्छों का मैं साथी नायकन। क्या प्रेमा, तू तो शेर है, तू गाय बकरी, अरे तेरे डाका तूने डाल दिया डाका, हाय दैया मेरी चोली, तेरी नजर डाका, ये लसक वचक तेरी मेरे दिल तो भाग गई, मैं लपट वपट जाऊं तो फिर मुझसे न कहना, तेरी बाहें गोरी गोरी, तेरा दिल भी चोरी चोरी, मेरी कोर पड़ रहे हैं जरा संभल के रहना, पड़ी कैसी पड़ी, अरे तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, पड़ी पड़ी कैसी पड़ी, तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, अटका दूंगा मैं तेरी गुंडी गुंडी, नाम मेरा मोहन, नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, अच्छों का मैं साथी नायकन, बोम जैसा मेरा मन, खोला दीजिए बदन, बिगड़ो के साथ मत धनाधन। एक नारियल पानी लेकर आओ। लाता हूँ मैडम, एक अच्छा पानी वाला नारियल देना, तो नारियल ये लो। अरे लेना बॉस। ओए शाने, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा हूँ, आंखें निकालूंगा, ले। अरे अबे छोटू, इसे समझा, मुंह बंद कर वरना सारे नारियल उठा के मुंह में घुसेड़ दूंगा, चले। ए ऐसे मुंह खोल कर उधर क्या देख रहा है, अबे लेना है तो ले। अब भी बताता उसको, ले चल, ले ले और कल्टी मार, चल ले जा। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम। चलो गाड़ी निकालो। अच्छा अबे इसकी जात का मेरी इज्जत का कचरा कर गई। अरे भाई, अरे देवा, मेन रोड पर आकर मैं फंस गया हूँ, मुझे बता इन दोनों का गला काट दूं? समझा, आज तक तो अपुन से कोई टकराने की जरूरत नहीं की, लेकिन साले तूने मुझसे आके अपनी शक्ल दिखाई और मेरे सामने तूने आवाज उठाई। अरे भाई जाने दो, पहली गलती है इसकी, जाने दो। छोड़ मुझे, मुझसे जो टकराएगा वो अपनी मुंडी अलग करवाएगा, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे बाप रे, छोड़ दो।
अरे तैयार हो जा, तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। देख बेटा, ये मेरा नियम है, कोई भी ऐसा झुक जाता है तो मैं तो क्यों छोड़ू। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी पुरानी आदत। चुप कर दे। देख बॉस, अपुन तेरे को समझाता है, क्या है कि यहाँ पे पूरे एरिया में अपुन की ना बहुत ही इज्जत है, लोग अपुन को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और तो और ऊपर वाले का भी अपने पे आशीर्वाद है, अपुन भी अभी तेरे से प्यार करता है। नारियल पानी पिएगा? नहीं, चल चल जा जा। अच्छा याद रखना अपने को, जा जा जा, संभल कर, वापस झुकना नहीं, वह कूद जाएगा। इधर आ, उस पर नजर रखो। हेलो जयराज, न्यूजीलैंड से जयराज जी का फोन है। हाँ बोलिए। भानुमति के बेटे को आज ही खत्म करना है, किसी भी हालत में वो बच के नहीं जानी चाहिए। बड़ी लड़की को टप्पना है फाइनल। वैसे जितना तुम मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। ओके ए, चलो। शर्म आनी चाहिए, इतने सारे लोगों के रहते कहाँ चली गई, कैसे चली गई? वो लोग थिएटर में फिल्म देखने गए मालकिन। गाड़ी निकालो जल्दी। जी। कहाँ हो तुम? टिकट लेके कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। अपने को हीरो समझता है, देखो जरा। अरे रे रे, तेरी तो जाओ। देखो वो प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है, उसे पांच पांच लोग क्यों छेड़ रहे हो? देवा ये क्या हो रहा है, पांच पांच लोग मिलकर लड़की को छेड़ रहे हैं। अब तू ही बता क्या करूं, मारूं इन्हें? समझा? अब देख बॉस, ऊपर से मारने का परमिशन आ गया है तो तुम इस बंदे से अपनी गलती की माफी मांग लो या फिर मार खाने को तैयार हो जाओ। समझा समझा, आप बिल्कुल कार्तिक जैसे दिखते हैं। क्या बोली? चल चल चल, निकल निकल यहां से।
अपुन को तू क्या बोली? अपुन का नाम भगवान है भगवान। मैं किसी की तरह दिखता नहीं हूँ। अपुन का स्टाइल भी एकदम अलग है, बात करने का स्टाइल अलग, चलने का भी स्टाइल अलग, समझी? अच्छा एक बात बता, तू जिसकी बात कर रही है वो कौन लगता है तेरा? नहीं अभी तक शादी नहीं हुई है, बस बॉयफ्रेंड है। तेरा बॉयफ्रेंड है? अरे तू समझती क्या अपने आप को? तेरी उम्र क्या है बॉयफ्रेंड रखने की उम्र है? मुझे एक बात बता, तुम्हें अपने माँ बाप की कोई कदर वदर है कि नहीं? जिन्होंने पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया है उनपे क्या बीतेगी? नहीं उसे देखते ही मेरी मम्मी को गुस्सा आ जाता है। तुम रुको, माँ के बारे में ऐसे बोलती हो? जानती हो माँ क्या होती है? माँ 9 महीना तुम्हें पेट में रखती है, उसके बाद तुम्हें बड़ा करती है, तुम्हें पोसती है, तुम्हें पालती है और तुम्हारा ध्यान रखती है, लेकिन उसके बावजूद तुम जैसी लड़कियाँ अपना माँ का नाम बदनाम करती है। छोटू इधर आ। छोटू नहीं, छोटू मेरा सामान दे। किधर है मेरा बड़ा सामान? ये रहा। काट दो, काट दो इसको। अगर इस जैसी लड़कियाँ रहेंगी खानदान का नाक कटवा देंगी। इस जैसी लड़की को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है भैया। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसे तुम्हें माफ करता हूँ। आइंदा अगर तुमने बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिया ना तो तुम्हारी मुंडी पकड़ कर काटूंगा। चल भाग, 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 चल। कार्तिक, कार्तिक, ए, तुम लोग किसी भी तरह उस नारियल वाला मुर्गुन को काट के लिए लेकर आओ। है? अच्छा तो आप लोगों को भगवान से मिलना है? अरे तो पहले बोला था ना नारियल वाले भगवान से मिलना, एक झटके में मिला देता, क्या भेजा कि माँ बहन कर दी। बोला था ना ठीक से बात करना इससे। इसके दिमाग में कुछ है ही नहीं लगता है। लेकिन तू तो बहुत समझदार है ना। इट्स ओके, मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? बोलो इसका क्या फायदा होगा? लो, दे दो, दे दो। 10 रुपीज, मैं तो गिरा हुआ नहीं हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? सोना, अंगूठी, गहना सब कुछ दे दूं क्या? ये वही ना बात, ब्यूटीफुल आइडिया। लाओ लाओ लाओ, चलो इधर आओ, इधर। तुम लोग बन जाओ। अरे अरे कोई मुझे बुला रहा है, कुछ हो रहा है, कहाँ कहाँ है? मुझे यहाँ पर है। ये चलो चलो जाओ, चलो 1 2 3 चलो, चलो 1 2 3 चलो कूदो, 1 2 वापस वापस, चलो चलो आगे, चलो इधर से, चलो अंदर अंदर जाओ, चलो अरे चलो आज बन जाओ, चलो चलो कूद, चलो चलो वापस, आ जा जा आ जा आ गया, बाबा आ बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंद्र के दरबार में आ गया। बिल्कुल ठीक बोला। मुर्गा बनते बनते मेरी पीठ में दर्द हो गया। आइडिया भी तो आप ही का था, क्यों दिया ऐसा आइडिया? अरे भाई आइडिया जैसा भी था आप सोचने से क्या फायदा, आप तो सोना भी गया और कंबख्त कमर भी गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना आराम है यहाँ। बरसों के बाद अपन चैन की नींद सोएगा यहाँ पर, मजा आ जाएगा। हाँ जी भगवान तुम दोनों पर खुश हो गया। अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गया तुम दोनों को। अरे एक बार की बात है, एक इंसान को मैंने मुर्गा बनाया था, उस पर मैं कूदा लेकिन कूदते ही वो नीचे बैठ गया। बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से झुकता हूँ। क्या कर रहे हो? उठक बैठक करते करते बैटरी डाउन अच्छा? हो गई। हाँ तुम्हारा बस चलता तो मुझे बनारस तक मुर्गा बनाकर भेज देता। धत्तेरी की, वो यहाँ मंदिर की बात कर रहा है और तुम बनारस की बात ले बीच में बोलना बंद करो, तुम्हें कुछ मालूम है? ए आजा, आप लोगों का काम हो गया, अभी अपन चलते हैं। अरे रुको रुको, इतनी मुश्किल से हम लोग तुमको यहाँ तक लेकर आए हैं, अब तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? क्या कहा? हम क्या पागल लगते हैं? अच्छा भगवान, जल्दी जाकर मेरा वो सामान लेकर आओ। चाकू चाहिए? मुझे पता नहीं था लोग इतना बड़ा गेम खेलेंगे। तुम लोगों के पास चाकू है तो ला कर दो, मैं अपने हाथ से काट कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। मुंडी मुंडी तुम्हारी मुंडी। अरे रुको, नारियल की तरह काट डालूंगा सबको। अरे वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कि इंद्रलोक से उर्वशी नीचे उतर रही है। तुम इंद्रलोक की अप्सरा हो तो अपन भी कुछ कम नहीं है। तुम अपने आप को खूबसूरत समझती हो तो हमारे में भी जवानी कम नहीं है। रूप ऐसा दिया है कि नजरें बस तुम्हें ही देखती रह जाए, अदाएं इतनी कातिल है कि बस हम तो देखते ही आहा मदहोश हो जाए। चाल तेरी मस्तानी है, अदाएं तेरी इतनी कातिल है
अंग अंग तेरा ऐसे महके जैसे सांसों में तू ही समाई हो। क्या चमक है आंखों में, जाओ जाओ अपनी माँ को बुलाओ। मैं ही माँ हूँ, मेरी दो बेटियां हैं। क्या बात कर रही हो, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। ये लक्ष्मी देवी दौलतमंद है, पर उसका क्या फायदा जब तुम्हारे पास अपनी इज्जत ही ना रहे। ये आप क्या बोल रही हो, क्या प्रॉब्लम है, आप उनको बताओ ना। क्या बताऊं तुम्हें, और बताने से फायदा क्या होगा, मेरी तकलीफ कौन दूर करेगा, मेरा आखिर है ही कौन। ऐसा मत बोलिए, आपके एक जबान पर अपन जान निकाल कर देगा, आप उनको अपना ही समझिए। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, अरे ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर कुछ करना है तो मुझे बताइए। सब मेरी किस्मत है बाबू, मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तय किया है, पर एक आवारा लड़के ने उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। ओ, तो ये बात है, मुझे आप एक बार उस लड़के का नाम बताइए, क्या नाम है उसका। कार्तिक। कहाँ रहता है। पता नहीं। कैसा दिखता है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं आपसे वादा करता हूँ वो जो भी है बचेगा नहीं। भगवान मुझ में इतनी शक्ति दे कि मैं उसे मजा चखा सकूं, इतनी ताकत दे मुझ में कि मैं उसे मजा चखा सकूं। कुछ भी कर। सुना तूने, सुना तूने, सुना। इस धरती की कसम खाकर कहता हूँ, ऊपर आसमान की कसम खाकर कहता हूँ कि उस इंसान को आपके चरणों में अगर मैंने लाकर नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी भगवान नहीं, और मैं ये शक्ल आपको दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं तो थक गया यार। टेंशन मत लो भाई। नहीं उठाऊंगी। प्लीज तुम उठाओ। तो उठा। मैं नहीं उठाऊंगी। मैं भी नहीं उठाऊंगी। प्लीज उठाओ। नहीं। मेघना तुम उठाओ ना। क्या कर रही हो? मैं नहीं उठाऊंगी। मैं नहीं उठाऊंगी। आंटी बुआ करना। रुको रुको मत उठा। क्यों क्या हो गया जी? अरे कुछ भी हो सकता है, चलो। हां अभी मैं उठाता हूं। वो आदमी नीचे झुककर बॉल क्यों नहीं उठा रहा? अगर झुककर उठाएगा तो क्या तुम यहाँ रुक पाओगे? ओ, अच्छा। अरे बैठ जाओ, झुको मत, बैठो। अरे मैं तो रंगोली कर रही थी। कोई भी काम झुककर मत करना जब तक ये भगवान घर में है। अरे रंगोली मंगोली छोड़ो, झुकने की जरूरत नहीं है, फेंक दो से। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो मुर्गा बने और मैं उस पर से छलांग मारूं। आज बहुत ही दिल कर रहा है छलांग मारने का। भगवान किसी को तो मुर्गा बना। घबरा मत यार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो झुकेगा। अरे मम्मी ये कैसा आदमी रखा है आपने घर में? जब तक ये आदमी इस घर में रहेगा मुसीबत है। मेरे ख्याल से उसे जल्दी निकाल देना चाहिए। चुप रहोगे? चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, मुर्गन इसी घर में रहेगा। मुर्गन, बाबू मुर्गन, तुमने कुछ खाया बाबू? हां लक्ष्मी जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ मैं। बटलर जी, बाबू के लिए खाना लेके आओ। मैडम जी, बस 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 बस। अरे रुक रुक रुक, बाद में ले। पैकिंग कर रहे हैं क्या? खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, चल ये ला। फिर मुझे क्यों दे दिया खाना, क्या देख रहा है? ये भी खा ले। अरे यार कोई तो मुर्गा बना था। हाँ कहाँ है, कहाँ है, कौन, कोई कोई तो मुर्गा बना, मैं आता हूँ। अरे रुको, कहाँ है, कहाँ है मुर्गा, यहाँ तो कोई। इसे क्या हो गया? मुर्गा कहाँ है, यहाँ नहीं लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अच्छा मेरा पैर ऊपर की तरफ जा रहा है, मुर्गा ऊपर ही होना चाहिए। चलो चलो। हे देवा! मम्मी! 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 मम्मी!
क्या हुआ मुरगन, क्या हुआ, ऐसे इतना हाफ क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ ऊपर झुक रही थी तो इसे नीचे कैसे मालूम पड़ गया? अगर वो आएगा तो इस बार बचने नहीं पाएगा। मैं देखता हूँ कैसे बच के निकलता है। मैं हूँ। ओह अच्छा, ये आइडिया सही रहेगा क्योंकि उसके बाद मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक बार गलती हो गई, अब दूसरी बार मुझसे गलती नहीं होने वाली है। कोई कोई इस बार नहीं बचने वाला है। आने तो दो, मैं देखता हूँ। हाँ। मुझे लगता है वो इसी रास्ते से आ रहा है। हाँ, तैयार हो जाओ। अब बोल, अब बचकर कहाँ जाएगा तू? अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। भगवान, अब तुम क्या समझते हो, मेरा नाम लेने से और लड़की का आवाज बनाने से तुम बचकर निकल जाओगे? लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं जाने दूंगा, इस तरह से नहीं छोड़ने वाला हूँ आज। अच्छा, तो तुमने नाम भी बदल दिया अपना? अरे वाह, तुम तो बहुत पहुंचे हुए लगते हो। लेकिन मां कसम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मेरा चेहरा देखो, मैं भानुमती हूँ। अरे लक्ष्मी देवी, अरे लक्ष्मी जी, मुझसे गलती हो गई, ये क्या करूं मैं? अरे पता ही नहीं चलता कि माँ कौन और बेटी कौन। अरे 40 में और 16 में फर्क नहीं पता चलता। ठीक है ठीक है, तुम ड्यूटी ठीक से निभा रहे हो, पर आइंदा सोच समझ कर पकड़ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आप जरा पलट जाइए। अभी हाथ उठाइए। अरे कुछ नहीं लक्ष्मी जी, मैं आपका नाप ले रहा हूँ ताकि अगली बार हाथ खोलने पर कोई समा जाए तो मैं समझूंगा कि आप हैं, और अगर आधे हाथ में कोई समा जाए तो आपकी बेटियाँ। कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं। हाँ? इसकी पहरेदारी को आग लगी, बेटी बाहर ना जा पाए इसके लिए देखो सांड जैसा पस रहा है। इसका तो जागना भी मुसीबत है। अरे कहाँ भाग रही हो? हा? मुझे चूना लगा कर जा रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं सो रहा हूँ? अरे गलती से मैंने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया था, लेकिन मैं इतना चालाक हूँ इस बार तुम्हें पकड़ लिया। वो मेरी मम्मी है, छोड़ो उन्हें। अरे ये क्या, मैंने तुम्हारा मुंह बंद करके रखा है तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है बताओ मुझे? ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरी मम्मी है, छोड़ो उन्हें। अरे तुम इतनी चालाक हो, तुम बचने के लिए कुछ भी कर सकती हो। पकड़। अरे बापरे, ये कमर तो 40 की लगती है, कहीं ये लक्ष्मी जी। मुर्गन ठीक से देखो फिर पकड़ो। अरे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं नींद में था ना, आपका हाथ पकड़ लिया, कमर नहीं पकड़ी इसलिए पता ही नहीं चला। अब एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए 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 जाइए। अरे बाप रे, ये सब क्या होता है, आंखें बंद करके भी मैं पहचान सकता हूँ कि नारियल कौन सा और फिर मौसम भी कौन सी, तरबूज कौन सा और खरबूज कौन सा, लेकिन इस घर में तो पता ही नहीं चलता 40 का कौन 18 का कौन। देवा गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हिप्नोटिस्ट जयराज का रूम नंबर क्या है? 1 सेकंड, रूम नंबर 306। थैंक यू। हम हिप्नोटिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं? ताकि तुम कार्तिक को पूरी तरह भूल जाओ, वो सामने भी आ जाए तो भी ना पहचानो। मैं कार्तिक को नहीं भूल सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें। देखा जाएगा। अरे तुम ये क्या, तुमने लिफ्ट क्यों रोका? मेघना। हाँ, कार्तिक। मेघना, कार्तिक। मेघना, आप चुप नहीं रह सकती, प्लीज। जानू, तुम अकेली आया जाया करो ना, बड़ी हो गई हो, अपनी माँ का आंचल थाम कर कब तक तुम चला करोगी? अब देखो ना, मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। माँ का आंचल छोड़ दो। ए, प्लीज सासुमा, आप दूर रहिए, मुझे टच मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे हम दोनों का पर्सनल मामला है ना। जानू, शाम को 5-स्टार होटल में चले, अच्छा खाना खाएंगे, मजा आ जाएगा। नहीं, ये मुझे हिप्नोटिस्ट के पास ले जा रही हैं ताकि मेरा मन बदल जाए। सासु माँ, आपने तो बढ़िया प्लान बनाया था, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? अब देखिए मैं आपको क्या क्या करके दिखाता हूँ। क्या दिखाओगे? है इतनी हिम्मत? हिम्मत? आप मेरे हिम्मत के बारे में नहीं जानती हैं। अरे मुझ में तो बहुत हिम्मत है, उस दिन कैसे मैंने 5 चबाकर थूक डाला था। जानेवन, 10 बजे तुम नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाना, मैं आता हूँ तुमसे मिलने। हाँ, क्यों नहीं रहेगी, तुम आओ तो तुम्हारे लिए पूरी तैयारी रहेगी। दीवार फांद के आना तो तुम्हारी आदत है, सब रेडी रखो। हाँ सासुमा, सब रेडी रखना, दामाद जो हूँ आपका। हाँ लेकिन इस बार दीवार लांग कर नहीं, अगर मैं आया तो इस बार दरवाजे से ही आऊंगा।
अगर अपुन सब मेन डोर पर ही खड़े रहे तो हो सकता है कि वो पीछू से आ जाए, समझ गए? तुम लोग एक काम करो, जाके पिछवाड़े का पहरा दो। हां बिल्कुल सही कह रहे हो। हां चलो जाओ जल्दी जा। देखो मुर्गन, आज उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। अरे आने दो उसे, उसका सिर काट कर फुटबॉल बनाकर खेलूंगा मैं। चल रहे, आप भी थोड़ा सा पीलो, बॉडी बन जाएगी। ये यहाँ जान। अरे कहाँ भाग रही हो? और पास ये मुर्गन कहाँ चला गया? क्या कर रहे हो? छोड़ो। लगता है तुम्हारी माँ दरवाजे से झांक रही है। मैं अभी आता हूँ, तुम चिल्लाती रहना। क्या सासू जी, दामाद क्या कर रहा है ये चुपके से सुन रही हो क्या? सुहाग रात को बुजुर्ग लोग झांक कर दामाद की कारस्तानी देखते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 12 साल का गैप हो गया है ना, इसलिए आपको ये सब याद आता होगा ना। तुम्हें तो मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा। चलिए ये बातें मैं जाकर आपके उन दोनों लोगों को बता देता हूँ। कहाँ है वो कार्टून? ए जोकर, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? हे भगवान, उसने कितने दिनों से नाक में दम कर रखा है, आज तो वो नहीं या फिर मैं नहीं। अरे गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, या तो सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। सासू माँ मुझे ये सब देखने की, भगवान, अरे भाई ये क्या हो रहा है? लक्ष्मी जी मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। मुर्गन मैं चला। ए मुर्गन सुनो तो। सासू माँ मेरा काम अच्छे से हो गया, मैं फिर आऊंगा के माम वाला पान चबा के चूसा और थूका। ये तो मुर्गन, मुर्गन। अरे ये क्या हो रहा है, सब पर कुत्ते कुत्ते, मैं थक गया हूँ। अरे बस करो, उड़ जाओ। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने? अरे ये छलांग मारना अच्छा नहीं लगता। अब ये कब मुर्गन चलो उठो। अरे अरे रुको रुको रुको, पागल हो गए क्या? नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर कूदे, खूब मजा ले लिया तुमने। अब वो यहाँ कहाँ, वो कब का चला भी गया? इसके सामने झुक झुक कर इसको अपने ऊपर से कूदवाने की किस्मत दिखा कर लाए हम लोग। तू क्या रे, खामखा इतना लाल पीला हो रहा है बिना वजह? तुमने मेरी बीबी के सामने मारा, अच्छा नहीं किया। चल जाओ, कुछ भी बकता है। चले लक्ष्मी देवी, देखते हैं कहाँ है वो कार्तिक का बच्चा। अब इसका क्या फायदा, वो घर में आया, मेरी लड़की के साथ रहा और फिर आराम से चला भी गया। तुम्हें तो सुनाई भी नहीं दिया, आखिरकार मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई ना। अरे नहीं लक्ष्मी जी, आप झुकी थी फिर भी मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। अरे ये कैसी कैसी बदकिस्मती है। ये सब कार्तिक की चाल है, उसने होलसेल में सबको मुर्गा बना दिया ताकि तुम उनके ऊपर कूदते रह जाओ और वो काम करके चुपचाप बाहर निकल जाए। कार्तिक एक बात सुन लीजिए, उसने आपके साथ चाल नहीं चली है, मेरे साथ चली है। भगवान, एक औरत को रुला कर वो भाग गया है, क्या करूं बता मुझे? उसे मार डालूं, टपका डालूं? ठीक है, अब देखिए मेरा कमाल। मैं ये कसम खाकर कहता हूं कि वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता है, मैं उसकी बैंड बचा कर रहूंगा। ए, कान खोल के सुनो गांव वालों, आज मैंने उसकी गाड़ी जलाई है, कल उसे जिंदा जला सकता हूं। अगर उसने लक्ष्मी देवी जी की घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसको तो मैं नारियल समझकर काट दूंगा। ये बात उसे जाकर बता दो। कार्तिक तुम यहाँ क्यों आए? अगर मम्मी छोड़ो तो मुझे क्या? मेरे घर पर किराए के गुंडे भेजकर दादागिरी दिखाती है, माँ को कहो कि सामने आए। छोड़ो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, झगड़ा मत करना। अच्छा, तुम्हारी माँ अगर अपने आप को इतना महान समझती है तो बुला उसे मेरे सामने, मैं अपनी मर्दानगी उसे दिखा दूंगा। और कहाँ है, कहाँ है वो भगवान? कार्तिक वो तुम्हें मारेंगे या तुम उन्हें मारोगे, नुकसान तो मेरा ही होने वाला है। देखो तुम्हारी माँ ने मुझे राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं भगवान को इस घर से बाहर निकाल दूंगी, मेरा यकीन करो, सच कहती हूं। ठीक है, एक काम करो, 48 घंटे के अंदर अंदर उसे घर से निकाल दो। मैं
मैं जरा मोटी हो गई हूँ, डाइटिंग करनी पड़ेगी। दिमाग का इलाज करो। अभी माँ से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जाओ जाओ बुला अपनी माँ को। हा? और कह दो कि ये बंदा किसी से नहीं डरता है, भगवान नाम है मेरा। बड़े शरीफ बनते फिरते हो, अभी माँ से कहलवाकर तुम्हें नौकरी से निकलवा देती हूँ, अभी तो मुझे पहचानते नहीं हो। अरे तुम्हारी ये गिदड़ धमकिया मेरे आगे नहीं चलेगी, ऊपर से मेरे को पैर मारती है और मेरे को ही बदनाम करती है। अरे कैसी लड़की हो तुम, हाँ चल भाग यहाँ से। शट अप। तुम कौन होती हो मुझे शट अप कहने वाली, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ निकल जाओ, जाओ जाओ। तुम क्या देख रहे हो, खड़े रहो। ठीक नहीं है, उसे घर से निकाल दीजिए। मैं बोल रही हूँ और आप ध्यान ही नहीं दे रही। भगवान के बारे में जो भी कहो मुझे विश्वास नहीं, आदमी गंवार होगा लेकिन है खरा सोना। ठीक है उसे रहने दीजिए, मैं ही चली जाऊंगी। पागल मत बनो, चुपचाप मेरे साथ चलो, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। आज से तुम इसी कमरे में बंद रहो, कोई पता नहीं, नहीं चलेगी तुम्हारी। आदमी गंवार होगा पर बहुत सोना है, अब पता चलेगा आपको। अरे मेरी बच्ची मर जाएगी, बचाओ उसे। कोई बात नहीं, ऊपर चढ़ने में बिहारी माहिर है। मैं कैसे ऊपर चढ़ जाऊंगा, अगर मैं वहाँ से गिर गया तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और मेरी इकलौती बीवी का क्या होगा। अरे मैं हूँ ना, चुप रह, जो मुंह में आता बक देता। अरे मैं भी हूँ ना, ए चल हट्टू, कभी भी घुस जाता। तुम क्या चाहते हो मैं ऊपर चढ़ूं? अरे कोई तो जाओ उसे बचाने। भगवान भगवान मैं गिर जाऊंगी। इधर भगवान, चाहे जैसे भी हो उसे वहाँ से नीचे उतार लो। देखिए लक्ष्मी देवी जी, मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ और फिर वो हमेशा मुझसे झगड़ती रहती है। आप चाहे तो मैं आपको ऊपर भेज दूँ लेकिन उसे नीचे नहीं उतारूंगा, कभी नहीं उतारूंगा। मैं गिर जाऊंगी। अरे भगवान बचाओ, मेरी बेटी गिरेगी तो वहाँ से मर जाएगी। अरे जाने दो, आपको क्या कमी है, दूसरी वाली है ना आपके पास। मुझे नीचे उतारो। अरे बाप रे, तुम मुझे जानते हो ना। अरे मेरा नाम भी है भगवान, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, तुम मुझे नहीं काट सकते। चा? ये सब मेरी तरफ फुत्कार रहा है और मेरी तो पैंट के लिए हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। देवा कुछ करो, कुछ करो, मुझे बचाओ, जाओ जाओ यहाँ से, देवा कुछ करो, देवा कुछ करो। अरे रे 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 रे, ये नाग मेरी तरफ क्यों देख रहा है? देखिए नाग जी, मैं आपको दूध पिलाऊंगा, बहुत ध्यान रखूंगा और आपके लिए नागिन भी ढूंढ कर लाऊंगा। अरे बाबरे, देखा हो गया, ऊपर से टपका बीच में अटका, अब आगे क्या टपका लपका बोल रहा है, काश उसकी जगह मैं होता। कमरिया लचकाए रे, चोल कस बसाए रे, कमरिया लचकाए रे, चोल कस मसाए रे, चाल में है नागिनिया मेरे दिल को डस गई रे। हे जल्दी क्या है, झपटे ना तू दिल जैसा, झपटे ना तू जाएगी, मेरे आगे झुक जाएगी। तू है मेरा परवाना, जल के मुझको दिखलाना, मेरे दिल में तेरे दिल में क्या है मैं जानूं। hey!
आड़े चलो या सीधे चलो, जैसे भी चलो मेरे आगे चलो। हे बाएं चलो या दाएं चलो, हे जैसे चलो मेरे पीछे चलो। हे कमरिया लटकाए रे, झोली दस मसाए रे, जान में है नागिनिया मेरे दिल को डस गई रे। हे शर्मा के तू, घबरा के तू, आ जाती है मेरी बाहों में तू, जरा सा बलखा के लहरों से लहरा के तू मुझको बाहों में ले। ये तेरी बात मुझे अच्छी लगी, अभी तो शर्माई अभी तो बलखाई, रुक जा घड़ी दो घड़ी। रुक गई तो मर जाऊंगा, कुछ भी तेरे लिए कर जाऊंगा। ऐसी बातें ना करना, ठंडी आए ना मरना, आग हो फिर जल जाए तो मजा ही क्या। हे जल्दी चलो या धीमे चलो, अब तुम ही कहो मैं कैसे चलूं। अरे जल्दी चलो या धीमे चलो, मन जैसे भी चाहे वैसे चलो। हे कमरिया लचकाए रे, चोली कस मसाए रे, जाल में है नागिनिया मेरे दिल को डस गई रे। कितनी प्यारी है जन्नत से आई है मेरे लिए दिल रुबा हो। कितना तड़पाएगा तू, कितना तरसाएगा तू, रोकेगी तो मर जाऊंगा, तुझ भी तेरे लिए कर जाऊंगा। किसने रोका तेरा रास्ता, बोलना जानूंगा। जल्दी चलो या धीमे चलो, अब तुम ही कहो मैं कैसे चलूं। कमरिया लचकाए रे, चोल कस मसाए रे, जाल में है नागिनिया मेरे दिल को डस गई रे। जरूर बुला, चोर मचाओ चिल्लाओ। हाँ। मैं उसी के लिए तो आया हूँ यहाँ पर। आपकी बेटी को दो दिन की मोहलत देकर सबसे बड़ी गलती की है। अरे बाप रे बाप रे बाप, सासू जी मैंने आपके बारे में कुछ और ही सोच रखा था, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा चालू निकली। ए! ए! बुलाओ तुम अपने पालतू गुंडे को, देखता हूँ कि उसकी गर्मी ज्यादा है या फिर तुम्हारे इस दामाद में ज्यादा ताकत है। चलो बुलाओ उसे। भगवान इधर। मुंह में बीड़ी सुलगा कर क्या मरने आए हो यहाँ पर? तुम ही हो जो मुझे मारने के लिए रखे गए हो। जीने के लिए नारियल पानी बेचकर भी जी सकते हो। चल जा, तेरी बात और है मेरी बात और है, हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो क्या है कि मैं बिना माँ का हूँ और किसी भी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और उसके लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ, यही मेरा उसूल है।
जिंदा रहेगा तो दूसरी लड़की भी मिल जाएगी। निकल, बड़ा दिल वाला बनता है तू। भिड़ू, इधर दिल नहीं पत्थर है। ये दिल आग लगाना भी जानता है और आग बुझाना भी जानता है। तुम्हें इतना समझाया फिर भी बात समझ में नहीं है, तू समझ जा। अगर तेरी किस्मत में मौत लिखी है तो तुझे गाड़ ही दूंगा। देवा, हम अपने अपने माँ की औलाद हैं, लेकिन आज मैं क्या करूं। मैंने किसी से वादा किया हुआ है, उसे हर हाल में मुझे पूरा करना होगा। क्या लक्ष्मी देवी जी, क्या हाल चाल है? आप उनको बुलाया क्या? बहुत एहसान है तुम्हारे, इसलिए अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे लिए सचमुच कुछ किया जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपन ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। क्या करने वाली हो मम्मी? ए, ये बात जाननी जरूरी है क्या? ये अपना आपसी मामला है, किसी तीसरे को भनक पड़ गई तो मुश्किल पड़ जाएगी, समझ गई? तुम जो भी चाहो मिलेगा भगवान, एक बार कहो तो। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए अपने को। नौकरी चाहिए? पैसा चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छी लड़की देखो, जल्दी से शादी करा दो तुम्हारी। इतना शर्मा क्यों रहे हो? करोड़ों रुपए खर्च करूंगी तुम्हारी शादी में। अच्छा, बोलो, मैं ढूंढू लड़की या कोई है तुम्हारी नजर में? कौन है वो? मैं? नहीं 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 नहीं, मेघना। मैं? नहीं 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 नहीं, चीची। ये पीछे गांधी। ओके, तुम्हारा एहसान तो चुकाना ही है मुझे। कल सवेरे ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मुहूर्त निकला जा रहा है ना? ए, मीठी मीठी बात करके बाद में धोखा मत देना। देखो कितना अच्छा लड़का है बेचारा, आप कुछ लेन देन की बात करें। अच्छा मांगो। हाँ ठीक है तो मांगता हूँ, 4 बॉक्स बीड़ी, 2 बॉक्स माचिस, 2 गैलन दारू, उसके साथ खाने पीने के लिए मुर्गा मुर्गी अंडा 3 चना, 2 गिलास सोडा बर्फ, ये सब तो बहुत जरूरी है। और भी अगर कुछ तुम हाँ, असली बात तो मैं भूल गया, घर की योजना, उसमें चादर तकिया पंखा तौलिया साबुन और उसके कुछ पैकेट। ये क्या कह रहे हो, मैं शादी करवा रही हूँ तो ये सब तो दूंगी ना? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, रुको 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 भगवान रुको। अरे इतना अच्छा मौका मिला है, ये मुर्गा मुर्गी के चक्कर में हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? रुक जा, मैं ही मुर्गा बनता हूँ। हे भगवान भगवान रुक जा, मैं मुर्गा बनता हूँ। भगवान भगवान रुक जा, मैं मुर्गा बनता हूँ।
ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक तरफ मेरी शादी है और दूसरी तरफ ये मजा। अरे वाह, इसमें ज्यादा मजा आता है। आवरा का डाबरा, आवरा का डाबरा, आवरा का डाबरा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आवरा का डाबरा। अरे एक, दो, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आबरा के डाबरा की हो गई ठन ठन, आए थे अकड़ के अब चले रन रन। आ ई पुस जा रे पुस्की, मेरी लड़की चाहिए तुझे। अरे लक्ष्मी देवी जी, तूने इस मासूम भोले वाले लड़के के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, तू कभी खुश नहीं रहेगी। तेरा घर जल जाए, तेरे बाल झड़ जाए, तू कभी खुश नहीं रहेगी। तेरी चप्पल घिस जाए, बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए। धक्के मार कर निकाल दिया, फिर भी आ गए तुम लोग। ये इशारे में क्या बात कर रहा है? शकल जैसे गा रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। ले इसको थोड़ा सा पी ले, सारी आवाज बाहर आ जाएगी। बोल दे, बोल दे, बोल दे। अरे नीचे 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 झुक गया। अरे हो गया, हम लोगों के साथ वो शायद विदेश से आया कोई न्यूजीलैंड का पुलिस है। कार्तिक को खोजता हुआ यहाँ आया था, बता रहा था कि वो पुलेटिक कुलू का है। उसके हाथों में काला काला लंबा सा खतरनाक पिस्तौल भी था। उसने तीन बार यहाँ रखे और बोला बोलो बोलो, मैंने सब बोल दिया, उगल दिया सब कुछ। देवा जेल में नारियल पानी भी नहीं मिलता है रे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मुझे और मेरी बेटियों को बचा लो, पकड़े जाने पर बेइज्जती होगी, प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम पर मैं भरोसा ही नहीं रख सकता हूँ। अरे तुम काम हो जाने के बाद हम लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकालोगी। देखो देखो पुलिस आ गई। भगवान चलो निकल लो, निकल लो, चलो चलो। मैं दो बेटियों की माँ हूँ, मेरी इज्जत ऐसे मिट्टी में मिल जाएगी। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, पर मुझे इस मुश्किल से बचा लो प्लीज। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? देवा, देवा करूँ मैं? अरे पहले तो मुझे निकाल भगाया और मुझे सहायता मांग रही है। बता मुझे क्या कहा? हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, दुश्मन की मदद करूँ? ओहो, लेकिन मैं कैसे मदद करूँ? तू कह रहा है इसलिए मैं मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं तेरा भक्त हूँ। हाँ हाँ, एक काम करो, पीछे से निकलते हम लोग। चलो चलो चले जाओ, चलो चढ़ जाओ। कम ऑन, चलो घर का चप्पा चप्पा छान मारो, पूरे घर की तलाशी लो, हो जाओ, कम ऑन। चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे बाप रे, कितना करंट मारती है, ऐसा करंट तो मैंने कभी खाया ही नहीं है। हिंदुस्तान की बिजली कभी कम नहीं हो सकती इसकी वजह से। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो जाओ जाओ, चलो चलो उठ जाओ। धुलाई के बाद भी इसने जबान नहीं खोली है, मतलब ये एक नंबर का क्रिमिनल है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं चला जा रहा हूँ लेकिन कल फिर आऊंगा और इतना मारूंगा। इस तरह रोते रोते तू सब कुछ बोलेगा, मेरा ट्रीटमेंट तू जानता नहीं। देखो खिला पिला के इसे तैयार रखना, धुलाई सहनी है। ओके सिपाहियों चलो। ये क्या किया तुम लोग? पैर फिसले तो चल जाएगा लेकिन जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। देखो क्या हालत हुई, बहुत सीनियर बनते हो, अब देखो सीनियरिटी का अंजाम, तुम्हारी खाट खड़ी हो गई। खाट बाद में खड़ी करना, चलो पहले चल के मैडम को ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी करो, बाहर से आ रहे हैं सब लोग। मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज। हाय कार्गी, ये बेशर्मों की तरह तुम इससे क्या करा रही हो? लेकिन मुझे चुनन बांधनी नहीं आती तो मैं क्या करूं? ये ओढ़नी में चुन्नट ऐसे थोड़े डालते हैं, इसे यहाँ से पकड़कर इस तरह से ऐसे डाल लेते हैं। अरे अरे अरे, छोड़ो छोड़ो जल्दी करो, साड़ी पहना दो, बाहर से हमारे रिश्तेदार पड़ोसी सब लोग आसपास से आ रहे हैं, जल्दी करो, चलो चलो तैयार हो जाओ। मम्मी ये कैसी साड़ी है, बिल्कुल गरीब लग रही हूँ, ये क्या कपड़े पहना दिए हैं आपने? देखो अगर गरीबों की तरह नहीं दिखोगी तो किसी के हाथ लग जाओगी। मतलब में? चलो, बिजनेस में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, कुलटपुर वालों की भी। किसकी? अरे वो कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो छोड़ो, तुम सुनो एक काम करो, नदी से पानी भर कर लाओ।
और तुम मेरी दूध का ग्लास भर कर लाओ और तुम इस घर की साफ सफाई करोगी, झाड़ू लगाओगी, बर्तन मांजोगी और तुम सब अपने अपने काम अच्छी तरह से करना, समझ गए? वरना खाना नहीं मिलेगा। कहाँ है तुम्हारे मेहमान? आइए 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 आइए, ये माँ है, ये उसकी दोनों बेटियाँ हैं, ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। दरअसल आधी रात को इनका पति से झगड़ा हो गया, इसलिए यहाँ लेकर आया। इनकी माँ ने कहा कि एक बेटी से मैं शादी पीछे पड़ गई है। दोनों ही बहुत सुंदर है, तुम दोनों से ही शादी करो। सासू माँ को एतराज ना हो तो कर लूं। अब बहुत हो गया, ये लोग थक गए, आराम करे दो। जाओ जाओ सब लोग, चलो चलो निकलो। चलो चलते हैं। मम्मी, अपना अच्छा खासा स्टेटस छोड़ के अचानक हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? इसका जवाब मैं देती हूँ। मैं कार्तिक से नहीं मिल पाऊँ, इसीलिए भगवान के साथ मिलकर इन्होंने ये प्लान बनाया है। आप चाहे कुछ भी कर लें, कितनी भी प्लानिंग कर लें, कार्तिक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या, अगर तुम इस तरह पत्थर जैसी पड़ी रहोगी तो कोई ग्राहक नहीं आने वाला। अरे जरा चिल्लाओ, नारियल बेचो जोर से, चिल्ला चिल्ला कर। भगवान, वही पुलिस वाला आ रहा है। भागो भगवान, वो पुलिस वाला आ रहा है। अरे बाप रे, वो इधर ही आ रहा है। पहले से ही ये सर फिरा है, कहीं मारना पीटना ना शुरू कर दे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान कहाँ है? कौन कहाँ है भगवान? कौन चाहिए? भानुमति को पकड़ने के लिए। कहाँ ले जाने? कार्तिक को मारा है उसने। कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? इधर है भगवान, इधर है। मर गया। पानी छिड़कता हूँ। ले 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 ले, बच गया बच गया। लो लाकुरु, ऐसे नहीं मरता। भगवान किधर है? किधर है भगवान? ऊपर लेडी, नीचे लेडा, समथिंग इज रॉन्ग। What is this? पहली बार देखा तो चार पैर देखा, दूसरी बार मर्द के पैर देखा, तीसरी बार औरत के पैर, ऊपर लेडी और नीचे मर्द के पैर। ये आपकी आंखों का दोष है। अरे आंखों का नहीं, मेरा भेजा काम नहीं कर रहा है। मैं अभी तो जा रहा हूँ, फिर आऊंगा और बजाऊंगा तेरा बैंड। चल इधर इधर इधर। अरे अरे क्या हो गया? अरे भाई भाई, अरे भगवान देखो, मैं तुम्हारा दोस्त। मेरा दोस्त कहाँ है? मेरा दोस्त कहाँ है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसकी सांस फूल गई। मेरे दोस्त को बुलाओ। चलो अंदर चलो। वो देखो, जल्दी जल्दी। अरे वाह, जा जा जा। अरे 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 मास्टर जी, टायर पंचर हो गया, बरसात हो रही है, आप वहां बैठिए, मैं बना के लाता हूँ। अच्छी बात है, आइए मास्टर जी, बैठिए 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 बैठिए। ये लीजिए, मैं साइकिल का पंचर बना के लाता हूँ। हाँ मम्मी, ये पतीला तो पिचक गया है, अब मैं चावल किसमें बना? निकलो बाहर, बाहर निकलो, बाहर आ जाओ, हैं? बाहर आओ, हैं? मुर्गन हमारी कॉलोनी में शराबत से रहता था, उसने रैम खा के तुम लोगों के इधर रहने को दिया, तो तुम लोगों ने तो इस कॉलोनी में धंधा ही शुरू कर दिया, धंधा शुरू कर दिया है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये शरीफों की कॉलोनी है, शरीफों की, यहाँ धंधा नहीं करने देते। अब बोलती क्यों बंद हो गई? पब्लिक को मालूम पड़ गया तो आवाज बंद हो गई। अरे पुलिस को बुलाते हैं, ले जाएगी पुलिस तो अंदर कर देगी ना, तो सारा होश ठिकाने आएगा। चुप रहो।
अब मुंह से एक शब्द भी निकला तो मार डालूंगा तुझे। इधर आ। ये मेरी पत्नी है और वो दोनों मेरी बेटियां हैं। अरे ये तो बाप निकला। भानु ये सब कैसे हुआ और तुम ऐसी परिस्थिति में कैसे आ पहुंची ये न तो मैं जानना चाहता हूँ न ही पूछूंगा। तुम्हें और अपनी बेटियों को पालने की क्षमता अभी भी मुझमें है। मेरे घर के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं, चाहो तो आ सकती हो। दो प्यार करने वालों को आप क्यों अलग करना चाहती है इसका मतलब अब समझ में आया है मुझे। पति के होते हुए भी आप विधवाओं की तरह जी रही हैं। आप प्यार का मतलब क्या समझेंगी? आपको भले ही पति की जरूरत ना हो पर हमें पिता की जरूरत है। प्लीज मम्मी एक बार सोच लो। क्या सासू माँ किस सोच में खो गई? मामा जी करीब आकर बैठ गए ऐसा महसूस हो रहा है। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया, पूरा का पूरा गांव एक ही बात कर रहा है कि पति को किसी गिनती का नहीं रखा, पति का ख्याल नहीं रखती आप। सबके जुबान पर बस यही एक बात आती रहती है। मैंने सबको कह दिया है कि तुम लोगों की तरह शाम होते ही गजरा लगा के दरवाजे पे टकटकी लगा के पति का इंतजार थोड़ी करेगी। अरे ये मॉडर्न जमाने की अमीर औरत है, बहुत ही पैसे वाली, इनकी बेटियां भी मामूली नहीं है, बेटियां भी बहुत ही रईस है, तो वो लोगों को आदत है इन सब चीजों की। और इनकी बेटियां भी आस नहीं रखती कि इनकी पिताजी एक दिन आएंगे और ढेर सारे खिलौने और दूसरी चीजें लेकर आएंगे। अरे छोड़ो भी, कावलों को क्या पता पैसों के आगे पति की क्या जरूरत है। आप सो जाइए आप। गलती मेरी ही थी कि अपना सब कुछ छोड़कर इस गंदी बस्ती में रहने क्यों आई हूं। तुमने मुझसे पूछा नहीं लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, मैंने एक हत्या करवा दी थी। हत्या? एक आवारा आदमी हमारी बेटी को फंसाकर उसे हमारे घर से भगा ले जाना चाहता था, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने बदनामी के डर से मैंने उसका कत्ल करवा दिया और मेरी की हुई इस गलती की सजा मेरी बेटियों को मिल रही है। अब एक ही रास्ता बचा है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं भानु, वो हत्या मैंने की है, ये पुलिस को बता दूंगा। नहीं, आप मेरा गुनाह अपने सर क्यों लेंगे? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। तुम्हें तो मेरे बिना रहने की आदत पड़ चुकी होगी, पर वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे बदले अगर मैं जेल चला जाऊं तो मेरी बेटियों के दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार तो पैदा होगा, उनके दिल में थोड़ी सी जगह तो बनाने दो। भानु तुम लोग उसी घर में पहले की तरह खुश रहो, आबाद रहो। मिस्टर राम नायक को फोन लगाओ। ओके मैम। मिस्टर राम नायक फ्लाइट का वेट मत कीजिए, स्पेशल फ्लाइट लेकर आ जाइए। आपके 2 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा हो चुके हैं, दोपहर से पहले यहां पहुंच जाइए। ओके लो मिनिस्टर को लगाओ। भानुमती ये क्या है, इतने टेंशन में क्यों? सही समय पर आए हो भैया, तुम लोग जाओ। नाक में दम कर दिया था कार्तिक ने तो मैंने उसे मरवा दिया। मेरा गुनाह अपने सर लेकर वो जेल जा रहे हैं। इतने सालों बाद उनके बड़प्पन को समझ पाई हूं मैं।
और अब फिर उनसे अलग होना पड़ेगा मुझे। वो अरेस्ट नहीं होने चाहिए भैया। आंटी, अंकल को इस बारे में सब पता है क्या? हाँ। भानुमती, हम है ना, टेंशन मत, आओ चलो। हाँ। यही है ना कार्तिक की लाश, वो सब नाटक था। कार्तिक और मुर्गन दो नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों को झगड़ती और खून होते मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये उसके नाटक का एक हिस्सा है। ए! ये तो भगवान है। निकालो। इस ड्रामे में कार्तिक की झूठी मौत हो गई है और तुम्हें विश्वास में लेने के लिए एक नाटक खेला। बोल। अरे अरे मुझे क्यों मारे भैया, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कार्तिक ने जो बोला वो ही मैं किया हूँ, क्योंकि मैं तो उसके पास काम करता हूँ साहब। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो। हे, उठ जा तू, बहुत अच्छा काम किया। इस राज को राज ही रखना, बाहर किसी को कभी पता ना चलने पाए। समझ गया ना तुम्हें क्या कह रहा हूँ? समझ गई भानुमती, तुम्हें और तुम्हारी दोनों बेटियों को तुमसे अलग करने के लिए, तुम्हें अपने कदमों पर गिराने के लिए सारा चक्रव्यूह रचा गया। इस साजिश को रचने वाला एक ही मास्टरमाइंड है। कौन है वो? तुम्हारा पति। कार्तिक को तुमने नौकरी पे रखने से पहले निकाल दिया, उसे श्रीपति ने अपने घर में रख लिया और तुम्हें बर्बाद करके सड़क पे लाने का काम उसने कार्तिक के जिम्मे सौंप दिया। ये कार्तिक कहाँ मिलेगा? जहाँ उसे होना चाहिए। ऑफिसर, इसे क्यों मार रहे हो ऑफिसर? आओ मास्टर आओ, तुमने तो खुद को डुबो दिया, इसलिए तुम्हारा तो कुछ नहीं कर सके, पर दूसरों को बर्बाद करने वाले को हम अंदर डाल के खूब तोड़ते हैं। ये ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दूँ? तुझे भी अंदर करता हूँ अभी, चल। ये केस विड्रॉ कर रही हूं, आप इसे छोड़ दीजिए। आओ मेरे साथ। जानना चाहती थी ना कि मैंने तुम्हारे पापा को क्यों छोड़ दिया? तुम्हें लगता होगा कि मैंने घमंड में ऐसा किया है। इनके आदतों के कारण ये इतने नीच हैं कि पैसों के लालच में मुझे झुकाने के लिए भाड़े के आदमी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ चाल चली।
शक्ल के दो आदमी होने का नाटक करके खुद अपनी ही बेटियों को फंसाने की घटिया चाल चली है इसने। क्या पति ऐसा होता है? मैंने माँ होकर कुछ गुनाह किया है या फिर इसने पिता होने की सजा काटी? फैसला खुद कर लो। अरे मैंने अनाथ समझकर तुम्हें सहारा दिया और तुमने मेरी ही बेटियों के साथ प्यार का नाटक खेला है? गुरुजी मत कहो मुझे गुरुजी, मर गया मैं तुम्हारे लिए। गुरुजी ये सब मैंने आपके लिए किया। मेरे लिए? मेरे लिए? मैंने कब तुमसे कहा कि मुझे पैसे दिलाओ? कब कहा कि मुझे मेरे परिवार से मिलवाओ? हैं? बड़ी मुश्किल से तो मेरी बेटियों और मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बनी थी, मगर उसका भी तुमने सत्यानाश कर दिया। ऐसा मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता। मेरे भांजे की फोटो तुम्हारे पास कैसे? ये फोटो तुम्हारे पास है? इसका मतलब तुम जानते हो? बताओ वो दोनों कहां है? मुंह मांगी कीमत दूंगा, जो चाहोगे वो दूंगा। बताओ बताओ ना, वो मेरी आंखों के तारे हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं। बताओ दोनों में से एक मैं हूं, मेरा नाम सूर्या है। सूर्या मेरे भांजे? तो फिर चंद्रन कहां है? बताओ बताओ ना। चंद्रन नहीं रहा। वो नहीं रहा? वो मर गया, मेरे हाथों से मारा गया, मेरी वजह से मर गया। तूने अपने सगे भाई को मार डाला? क्या किया तूने? गुरुजी, पापा की मौत के बाद तुमने हमें पाला पोसा। आप लोगों के झगड़े देखने के बाद हम बिना ये जाने कि हमारा टिफिन किसने भरा, हम उसे स्कूल लेकर गए थे। कल तुमने मुझे पहले खिलाया था, आज मैं तुम्हें पहले खिलाऊंगा। क्या हुआ भाई? ये खाना मत खाओ, इसमें जहर है, जहर है, तुम मत खाना। पिताजी ने कहा था ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे खानदान का नाम खराब हो, मत करना। मेरे इन्हीं हाथों ने उन्हें मार डाला। मैं वापस आता तो आप मुझसे पूछते कि चंद्रन कहाँ है, इसलिए मैं डर के मारे घर से भाग गया और फिर वापस कभी लौट कर नहीं आया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और फिर मैं आप पर शक भी कैसे करता, मामा जो हैं आप मेरे, इसलिए मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। और उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर बस काम में लग गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की और यहाँ तक पहुँच गया। कर्ज में डूबे हुए जयराम ने अपना कर्ज उतारने के लिए मेघना को बहू बनाने की प्लानिंग की थी। मेघना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए कार्तिक बनकर मैंने ये शादी रोकने का फैसला किया। फिर जब सासू मैंने उसकी शादी गगना के साथ तय की तो मुझे भगवान बनकर आना पड़ा, इसलिए मैंने ये सब किया। मामा जी पापा की दी हुई जमीन जायदाद की लालच में या फिर इन दोनों के शादी के लालच में मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो आपका परिवार एक करना चाहता था, आप लोगों की खुशियां लौटाना चाहता था। मेरा भरोसा कीजिए, मेरे मन में और कोई पाप नहीं, सच कह रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगी। ये भानुमती हर समस्या को सुलझाने की ताकत रखती है। तुम्हारे पापा कुछ भी कर लें, मैं उनके जाल में फंसने वाली नहीं हूँ।
तुम लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। ये क्या है? वसीयतनामा। सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपने पापा के बहकावे में आके उनका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया है। मुझे उनका घमंड तोड़ना है। अब मेरे पैरों में गिरकर तुम्हारे बेटे से शादी की भीख मांगेंगे वो। जहाँ मर्जी हो करने दो, इन्हें क्यों जलाएं? नहीं, भानुमति का दिया वादा टूट जाए ये नहीं हो सकता। मेरी एक बेटी को तो शादी करनी ही होगी। अरे, तुम्हारा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जा सकता भानुमति। उसे शादी करने का लालच था, लेकिन तेरी बेटी के साथ नहीं, इसके साथ। ये पास हो तो एक आवाज पर हजारों लड़कियां मिल जाएंगी मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए। क्या कहा? चुप रहो। अब आवाज नहीं करना। तुम्हारी फटकार मैं इतने सालों तक सुनता आया तो सिर्फ इसके लिए। 15 सालों की मेरी मेहनत है भानुमति, इसके लिए मैंने तुम्हारे पति को तुमसे अलग कर दिया। तुम्हारा पति जी नाराज बच्चों को लेकर आया था, वो तुम्हारी बेटियों के नजदीक ना जा पाए इसलिए मैंने उन्हें जहर दे दिया। तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच में झगड़े करवाए, तुम्हारी नजरों में गिरा दिया ताकि तुम उसे निकाल दो। मैंने इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए न जाने कितने जाल फैलाए, कितनी साजिशें रची। मेरे और मेरी प्रॉपर्टी के बीच में कोई भी आएगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। पिछले 15 सालों से मैं और पापा तुम्हें घर से निकालने का इंतजार कर रहे हैं। आज वो मौका आया है, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो, लिखने वाली ये कौन होती है और लिखने वाले तुम कौन होते हो? ये जायदाद मेरे मामा और पापा के नाम लिखी हुई है। हाँ मम्मी, कार्तिक डैडी के दोस्त के बेटे हैं। अब वो बेसहारा है। जब ये बेसहारा हो गए थे तो पिताजी ने अपने घर ले गए थे, तब इस बदमाश ने उनके खाने में जहर मिलाकर एक को वहीं पर मार डाला। तब ये बात बाहर ना फैले और खानदान की इज्जत की खातिर कार्तिक ने घर छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद होने से बचाने वो आ गया है। इन आंखों में आंसू क्यों आ गए? चुप हो जाइए। दरअसल ये प्रॉपर्टी मामा जी के नाम से है। ये बात मामा ने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि अगर बता देते तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें धक्का देकर निकालने वाले ये होते कौन है? मैं इनकी तो बैंड बजा दूंगा। नहीं बाबू, अभी तक मैंने बहुत गलतियां की हैं। देवता समान अपने भाई को अलग कर दिया, भगवान जैसे पति से दूर हो गई। अब मुझे ये सब धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे मामा मुझे एक बार माफ कर दे तो कुछ नहीं चाहिए। चलो रुको, तुम चली जाओगी तो हम तुम्हारा आशा देखेंगे और उस पेपर पे जो तुमने नकली सिग्नेचर किया उसको मैं चाटूंगा। ए, बंद कर दो इसको। इसे बचाने के लिए इसका पति जरूर आएगा। मुझे लगा इंग्लिश पिक्चर की तरह सारे गुंडे एक एक करके आएंगे, लेकिन तू तो हिंदी पिक्चर की तरह 100 मुस्टंडे एक साथ लेकर आ गया। ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गैप के बिना मारूंगा, सोडा बॉटल की तरह फोड़ डालूंगा। Oh!
सैम, इसे तो मैं देखता हूँ। जो बे, मुझे पक्का मालूम है कि कार्तिक को जहर तूने दिया था। वर्षों पहले। पहले हो या बाद में, तू ही तो क्रिमिनल है। तेरी खाल यहाँ नहीं, न्यूजीलैंड में जाकर खींचूंगा। चल, कम ऑन। देखो भालूमती, ऐसे रहोगी तो नहीं चलेगा। जरा सज्जत के रहो। देखो सिंदूर लगा के, कजरा लगा के, हैप्पी रहने का। चलो हेलो, इतना हंसो मत। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। यस सर। ये सब कुछ पता है, सर से लेके पांव तक। ऊपर देखो, नीचे कम ऑन। मामी जी, मामा जी, आइए स्वामी। कार्तिक, कितनी दूर क्यों बैठे हो? तुम्हारे बिना ग्रुप फोटो कैसे खींचेंगे? हाँ, वो क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस फ्रेम में मैं कहाँ खड़ा रहूँ? हाँ, इधर बैठो। नहीं नहीं, यहाँ खड़े रहो मेरे पास। बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ बैठोगे। मैंने कहा ना यहाँ खड़े रहो। देवा, देवा, ज्यादा टेंशन मत लो, अपने देवा से पूछ लो। इतना कंफ्यूजन में क्यों हो? कहाँ खड़ा होना है उसके लिए टॉस कर लो। चुपे, तू मुझे समझाएगा कि मुझे कहाँ खड़ा रहना चाहिए और कहाँ नहीं? ओहो, अरे मैं तो कब से बोल रहा, अपने देवा से पूछ लो। अच्छा आइडिया दिया, उसी से पूछ लेते हैं। देवा, दिल में क्या है मैं जानूं। समझ गया, 2 in 1। आ जाओ अब, ठीक है।